हेलो डियर स्टूडेंट्स वंस अगेन वेलकम बैक टू आर चैनल ज्ञान लैब सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके बायोलॉजी चैप्टर सेवन प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन का वन शॉर्ट वीडियो इस चैप्टर का जो बोर्ड्स का वेटेज है इट इज अप्रोक्सीमेटली वन सेकेंड लेट मी यूज हाँ इसका बोर्ड्स का जो वेटेज है इट इज अप्रोक्सीमेटली फोर मार्क्स और सीई का भी वेटेज इसका सेम ही है यानी फोर टू फाइव मार्क्स इसका सीई का भी वेटेज है ठीक है और नीट के लिए भी ये चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो इस चैप्टर के जो भी टॉपिक्स हैं जो डिलीटेड टॉपिक्स थे स्पेशली उनको मैं कोशिश करूंगी कि कम टाइम में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने का फुल अटेम्प्ट करूँ ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर के साथ सो हमारे चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है क्या दिया है हमको फर्स्ट टॉपिक में इंट्रोडक्शन प्लांट ग्रोथ के बारे में बताया गया है ओके चलो तो प्लांट ग्रोथ क्या होता है बेसिकली प्लांट में हमको दो टाइप की ग्रोथ देखने को मिलती है एक होती है क्वांटिटेटिव ग्रोथ एक होती है क्वालिटेटिव ग्रोथ क्वांटिटेटिव ग्रोथ मतलब क्या होती है कि प्लांट की लेंथ उसकी ब्रेथ उसकी साइज उसकी वॉल्यूम और उसका ड्राई वेट या बॉडी मास एंड नंबर ऑफ सेल्स कितना बढ़ रहा है ये आपका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट होता है ठीक है और क्वालिटेटिव ग्रोथ क्या होती है कि आपका जो प्लांट ग्रोथ हो रहा है उसके टिश्यूज किस तरीके से डेवलप हो रहे हैं यानी कि उसका डिफ्रेंसिएशन प्रोसेस प्रॉपर तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है परमानेंट टिश्यू कैसे फॉर्म हो रहा है मेरिस्मैटिक टिश्यू का आ, आ, स्टेटस क्या है ओके सो दिस इज द क्वालिटेटिव ग्रोथ दैट वी टॉक अबाउट ओके इट इज बेसिकली द नेचर ऑफ ग्रोथ जहाँ पे आपका डेवलपमेंट जो है वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर्ड प्रोसेस में होता है यानी कि पहले आपका रेडिकल फॉर्म होगा फिर प्लीम्यूल फॉर्म होगा फिर उससे शूट फॉर्म होगा नीचे रूट फॉर्म होगा फिर शूट से लीव्स निकलेंगे लीव्स के बाद आपका बर्ड्स निकलेगा बर्ड से फ्लावर्स फॉर्म होगा फिर फ्रूट फॉर्म होगा तो ये जो डिफ्रेंसिएशन प्रोसेस है ये प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये होता है हमारा क्वालिटेटिव ग्रोथ ऑफ द प्लांट अब अगर हम मल्टी सेलुलर प्लांट की बात करें जैसे कि जो हायर प्लांट्स होते हैं जिनके बारे में हम बोलते हैं द ग्रोथ इज़ इनडिटर्मिनेट एंड इट अकर्स थ्रू आउट द लाइफ इनडिफिनेटली यानी कि आपकी ग्रोथ जो है जैसे अगर बहुत लाइफ लॉन्ग वाले प्लांट्स हैं जैसे बैनियन ट्री वगैरह है तो ये इन प्लांट्स की ग्रोथ होती रहती है टाइम टू टाइम इनके लीव्स एप्सीशन होते रहते हैं गिरते रहते हैं और वापस से नए लीव्स आते रहते तो इनका जो ग्रोथ पीरियड है वो काफ़ी लंबे समय तक चलता है यानी कि इनके पास डिवाइडिंग टिश्यू स्पेसिफिक रीजन्स रीजन्स में हमेशा केपेबल होता है न्यू टिश्यू बनाने के देखो ग्यारहवीं में आपने पढ़ा था प्लांट टिश्यू वाले चैप्टर में चैप्टर नंबर एट में कि प्लांट की दो के दो टाइप के टिश्यू होते हैं एक मेरिस्टमैटिक टिश्यू एक परमानेंट टिश्यू मेजिस्टमैटिक टिश्यू क्या होता है जो कंटिन्यूस डिवाइड करता है और न्यू सेल्स बनाता है समझो एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको हाथ में चोट लग गई कट गया अगर हाथ कट जाता है तो वहाँ पे आपके सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं लेकिन वो हाथ का कट वापस ठीक भी हो जाता है क्योंकि वहाँ न्यू सेल्स फॉर्म हो जाते हैं इसका मतलब क्या है कि हमारे स्किन के सेल्स के पास कैपेसिटी होती है स्पेशल कैपेसिटी, स्पेशल पावर होती है न्यू सेल्स जनरेट करने की वैसे ही प्लांट्स में भी होता है तो प्लांट्स के जो सेल्स न्यू सेल्स बना सकते हैं उनको बोलते हैं मेरिस्टमैटिक सेल या मेरिस्टोमैटिक टिश्यू और मेरिस्टेम्स तीन पर्टिकुलर लोकेशन में बेस्ड होते हैं एपिकल मेरिस्टम इंटर एंड लेटरल मेरिस्टेम तो इन तीनों का पोजीशन आपको ये क्लास इलेवेंथ में दिया हुआ है क्लास 11 चैप्टर नंबर एट में आपको ये दिया हुआ है कि तीन टाइप के मेरी कहाँ कहाँ देखने को मिलता है एपिकल मेरिज जो आपको प्लांट के एपेक्स में देखने को मिलता है जो ये प्लांट की हाइट को कंटिन्यू डेवलप करने में हेल्प करता है इंटर कैलरी जो हमारे प्लांट की गर्थ को मेनटेन करके रखता है ओके इट इज लोकेटेड एट द नोड और एट द बेस ऑफ द इंटरनोड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द इंटरनोड बेसिकली हमारे इंटरनोड की लेंथ जैसे शुगर केन प्लांट समझो ये एक छोटा शुगर केन है जिसके बीच का ये इंटरनोड छोटा छोटा है तो ये गन्ना छोटा रहेगा अगर इसका इंटरनोड का लेंथ बढ़ जाए तो ये गन्ने की हाइट भी बढ़ जाएगी तो आपका जो इंटर कैलरी मेरिस्टम है वो लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और जो करता है, प्लांट को मोटा बनाता है प्लांट so ये सीटी क्वेश्चन है ये आ सकता है ठीक है ओके अब हम बात करते हैं प्लांट के फेजेस ऑफ ग्रोथ की तो प्लांट की ग्रोथ हमको तीन फेजेस में देखने को मिलती है पहला है फेज ऑफ सेल डिवीजन दूसरा है फेज ऑफ सेल एनलार्जमेंट और तीसरा है फेज ऑफ सेल मैचुरेशन फेज ऑफ सेल डिवीजन की अगर हम बात करें तो इट बेसिकली बिलोंग्स टू दिस फेज फेज ऑफ सेल फॉर्मेशन जहां पे आपके सेल्स फॉर्म हो रहे हैं यानी कि रेडिकल और प्लिम्यूल वाला पार्ट ठीक है जहां पे आपके इनिशियली मेरिस्टोमैटिक सेल कंटिन्यू माइटोसिस दिखा रहे हैं न्यू सेल्स बनाने के लिए उसमें से एक मेरिस्टमैटिक रहता है एक डिफ्रेंसिएशन कर लेता है ये फेज काफी ज्यादा स्लो फेज होता है बट ये फेज इंपॉर्टेंट होता है अगर इस फेज में प्लांट को सारे न्यूट्रिएंट्स मिले तो वो अच्छी ग्रोथ दिखाएगा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले तो वो ग्रोथ डेफिशिएंट हो जाएगा न्यूट्रिएंट डेफिशियट हो जाएगा और उसकी ग्रोथ रिटार्ड हो सकती है सेकेंड फेज आता है फेज ऑफ सेल एनलार्जमेंट अब इस फेज में हमको क्या देखने को मिलता है दिस इज द सेकेंड फेज इस फेज में बेसिकली आपका जो प्लांट है वो ऑस्मोसिस कर रहा है यानी कि न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर रहा है न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके वो हेल्दी बन रहा है जिसकी वजह से हमको सेल की बॉडी लेंथ वाइज और ब्रेथ वाइज इंक्रीज होते हुए दिखाई देती है और इस फेज में हमको प्लांट में न्यू सेल वॉल फॉर्मेशन दिखाई देता है सो द ग्रोथ रेट इन दिस फेज अकर्स इन लॉग फेज तो ये फेज कंपेरेटिवली फास्टेस्ट फेज होता है ठीक है और लास्ट में आता है फेज ऑफ सेल मैचुरेशन यहाँ पे आपके सेल्स जो है मेरिस्टमेटिक सेल्स जो है वो डिफरेंशिएशन प्रोसेस दिखाते हैं यानी कि दिस पर्टिकुलर फेज डिफरेंशिएशन प्रोसेस क्या होता है जैसे कि एक सिंगल टिश्यू जैसे आपने दसवीं तक कॉमन सब्जेक्ट लिया था दसवीं के बाद कुछ बच्चों ने कॉमर्स ले लिया कुछ ने आर्ट्स कुछ ने साइंस इसको बोलते हैं डिफ्रेंसिएट हो जाना वैसे ही हमारा ये जो कॉमन टिश्यू था ये आगे जाके इनमें से कुछ पार्ट आपका फ्लम्यूल बन रहा है कुछ पार्ट आपका स्टेम बन ये रेडिकल बन रहा है तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट डेस्टिनी है मतलब कौन सा पार्ट लीफ बनाएगा कौन सा पार्ट बर्ड्स बनाएगा कौन सा पार्ट शूट बनाएगा ये जो डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं ये डिसाइड करने के फेज को बोलते हैं इट्स जोन ऑफ डिफ्रेंसिएशन और ये वापस से कंपेरेटिवली स्लो होता है मतलब सबसे स्लो फेज आपका फेज ऑफ सेल फॉर्मेशन होता है फिर फास्ट फेज होता है फेज़ ऑफ़ सेल इलॉन्गेशन और फिर इससे थोड़ा सा स्लोअर होता है फेज ऑफ सेल डिफ्रेंसिएशन जिसमें आपके सेल्स डिसाइड करते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर पार्ट part, कौन सा ऑर्गन बनाएगा इज दिस क्लियर दो टॉपिक्स क्लियर हो गए सबको देखो फटाफट से एकदम इजी चैप्टर है एकदम इजी एक रीडिंग में में भी आपको समझ में आ जाएगा आगे बढ़े चलो तो लेट्स कंटिन्यू अब देखो आगे हमको नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया गया है कंडीशन फॉर ग्रोथ अब कंडीशन फॉर ग्रोथ में हमको क्या बताया गया है प्लांट को प्रॉपर तरीके से ग्रो करने के लिए वी नीड डिफरेंट डिफरेंट फिजियोलॉजिकल कंडीशन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट जैसे कि कौन से कौन से कंडीशन मैम इसमें आता है वाटर योर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिय योर टेम्परेचर ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन रेशियो ग्रेविटेशनल फोर्स लाइट एंड ग्रोथ हॉर्मोन्स ठीक है जिसमें से वाटर बहुत ही असेंशियल कंपोनेंट है वी कॉल इट एज एलेक्जी ऑफ लाइफ चैप्टर नंबर सिक्स में हमने वाटर की इंपॉर्टेंस पढ़ी थी कि वाटर के वजह से क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है वाटर की मदद से ही हमारा प्रोटोप्लाज्म अपनी जगह पे रहता है यानी सेल के अंदर के ऑर्गेनल्स अपनी अपनी जगह पे रहते हैं और सेल का शेप मेंटेन रहता है इस चैप्टर में बार बार ये वर्ड यूज किया जा रहा है टर्जिडिटी टर्जिडिटी मतलब क्या होता है शेप ऑफ द सेल वाटर एक ऐसा मीडियम है जो बायोकेमिकल केमिकल रिएक्शन करने में हेल्प करता है यानी कि न्यूट्रिय को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है जब हम न्यूट्रिय की बात करते हैं तो दो टाइप के न्यूट्रिय आते हैं इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे माइक्रो एलिमेंट्स और माइक्रो एलिमेंट्स माइक्रो एलिमेंट्स जो कम क्वांटिटी में चाहिए लेकिन चाहिए और माइक्रो एलिमेंट्स जो ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं ताकि प्लांट की ग्रोथ अच्छे तरीके से हो सके ऑप्टिमम टेम्परेचर की अगर बात करें तो ये वो टेम्परेचर है जिसमें हमारा प्लांट हमको सबसे बेस्ट ग्रोथ दिखाई देता है ठीक है एक होता है मिनिमम टेम्परेचर एक होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर एक होता है मैक्सिमम टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर यानी सर्वाइव करने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए ऑप्टिमम टेम्परेचर यानी बेस्ट ग्रोथ कौन से टेम्परेचर में दिखेगी और मैक्सिमम टेम्परेचर यानी कि हमारा प्लांट मैक्सिमम कितने टेम्परेचर तक सस्टेन कर सकता है तो हमेशा हम ऐसा कंडीशन देखते हैं जिसमें हमारे प्लांट को ऑप्टिमम टेम्परेचर मिले और हमारे मैक्सिमम प्लांट्स का ऑप्टिमम कंडीशन क्या होता है ट्वेंटी फाइव टू थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस फिर बारी आती है ऑक्सीजन की ये बहुत एसेंशियल रॉ मटेरियल है फॉर रेस्पिरेशन एंड रिलीज ऑफ एनर्जी क्योंकि आपको रेस्पिरेशन uh, जब आप करते हो फोटोसिंथेसिस करने के बाद जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है उसमें आपको ऑक्सीजन का काफ़ी ज़्यादा इनपुट देखने को मिलता है द लाइट इज़ वेरी मच एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि लाइट के वजह से आपका फ्लावरिंग हो भी सकता है और रुक भी सकता है शॉर्ट डे प्लांट्स लॉन्ग डे प्लांट्स क्या असर पड़ता है लाइट के वजह से सो लाइट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आप बिना लाइट के कोई प्लांट प्रॉपर तरीके से ग्रो कर ही नहीं सकते क्योंकि क्लोरोफिल पिगमेंट एक्टिवेट करने के लिए हमको लाइट चाहिए करेक्ट देन आता है ग्रेविटेशनल फोर्स क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स डिसाइड करता है हमारा जो रूट और शूट है वो कौन से डायरेक्शन में ग्रो होगा सो दीज आर दी इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर ग्रोथ आपको ये कंडीशन के नाम याद रखने हैं क्योंकि एमसीक्यू में ये पूछे जा सकते हैं नेक्स्ट आता है ग्रोथ रेट एंड टाइप्स ऑफ ग्रोथ ये मैं एकदम सिंपल भाषा में समझाऊंगी सबसे पहली बात तो कभी भी याद रखो केमिस्ट्री हो फिजिक्स हो या बायोलॉजी हो रेट वर्ड आया मतलब पैसे नहीं होते रेट वर्ड आया मतलब क्या होता है चेंज अपॉन टाइम कोई भी चीज़ कितने टाइम में कब कितनी चेंज हो रही है सो इट इज़ द इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम यानी अभी ये पर्टिकुलर ग्रोथ मुझ मुझे इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में सौ सेल्स दिखाई दे रहे थे एक मिनट के बाद ये सेल का काउंट बढ़ गया या कम हो गया तो इसको बोलते हैं रेट रेट यानी कि चेंजेस पर यूनिट टाइम इसको हम एफिशिएंसी इंडेक्स भी बोलते हैं ठीक है ठीके? आप ग्रोथ रेट को कैसे मेजर कर सकते हो या तो उसके प्लांट के स्ट्रक्चर के साइज में इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या फ्लावर फॉर्म होगा या फ्रूट फॉर्म होगा या लीव्स गिरेंगे सो दीज आर दी पैरामीटर्स थ्रू विच यू कैन मेजर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट ओके अब समझो अगर आपके सेल नंबर में चेंजेस हो रहे हैं सो द रेशियो ऑफ चेंज इन द सेल नंबर यानी कि डी है ओवर अ टाइम इंटरवल यानी कि डी दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट यानी कि कितने मिनट में कितने सेल्स चेंज हुए इस पर्टिकुलर वैल्यू को बोलते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट जैसे कि आज मेरा लीव पाँच सेंटीमीटर का है और कल यही लीव दस सेंटीमीटर का हो गया तो मतलब सेल का नंबर बढ़ गया कितने दिन में चौबीस घंटे में कितना बढ़ गया डबल हो गया सो नंबर अपॉन टाइम सेल नंबर अपॉन टाइम इज नोन एज एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट लेकिन जब आप इस एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट को डिवाइड करते हो टोटल सेल्स प्रेजेंट इन द मीडियम तो इसको बोलते हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट यानी हर बार आपको ऐसे हंड्रेड परसेंट डबल ग्रोथ देखने को मिलेगी ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि कंडीशन भी मैटर करता है समझो वाटर कंडीशन कम है या लाइट प्रॉपर तरीके से अवेलेबल नहीं है या न्यूट्रिय नहीं है तो उसके वजह से जो आपकी ग्रोथ में चेंजेस होते हैं जो एक्चुअल प्रैक्टिकल ग्रोथ हमको देखने को मिलती है उसको हम बोलते हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट जिसमें हम क्या करते हैं वी डिवाइड एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट बाय एक्चुअली हाउ मेनी सेल्स आर प्रेजेंट इन द मीडियम ओके आपको मैं ये एकदम सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ बट वो एक्सप्लेन करने से पहले यहाँ पे आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज दिए या टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए ग्रोथ रेट को आप कैसे मेजर कर सकते हो सबसे पहली बात तो आपके प्लांट में या आपके पर्टिकुलर मीडियम में अगर आप टिश्यू कल्चर कर रहे हो तो सेल नंबर कितना इंक्रीज हुआ है उससे आप पता कर सकते हो कि आपका प्लांट ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपके लीफ का सरफेस एरिया बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है उससे हम ग्रोथ रेट मेजर कर सकते हैं हमारे पोलन ट्यूब का लेंथ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है यानी कि समझो वो स्टिग्मा के ऊपर पोलन ट्यूब बैठा है पोलन ग्रेन बैठा है उसमें से पोलन ट्यूब निकल रही है कि नहीं निकल रही है या आगे कितना बड़ा है उसका लेंथ दैट वी कैन मेजर इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द पोलन ट्यूब या फिर हम फ्रूट के वॉल्यूम में चेंजेस मेजर कर सकते हैं कि पहले फ्रूट छोटा था फिर धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा है जैसे जैसे उसमें न्यूट्रींस प्रोवाइड किए जा रहे हैं या फिर हम प्लांट के गर्थ यानी कि प्लांट के डायामीटर को मेजर कर सकते हैं मैं बार बार बोल रही हूँ गर्थ वर्ड का मतलब होता है डायामीटर ऑफ द प्लांट आपका प्लांट कितना मोटा है उसको गर्थ बोलते हैं फिर हम प्लांट के ड्राई वेट को भी मेजर कर सकते हैं कि प्लांट का जो लीव का बायोमास है वो कितना प्रोड्यूस हो रहा है यस yes? जैसे कि समझो आप लीव जलाने के बाद कितना गैस कलेक्ट हुआ या ड्राई लीव्स कितने जमा हुए दैट कैन बी मेजर्ड एज ए कंडीशन फॉर ग्रोथ रेट ओके कि कौन से तरीके से हम ग्रोथ रेट मेजर कर सकते हैं अलग अलग तरीके होते हैं एक होता है डायरेक्ट मेथड एक होता है हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप एक होता है ऑग्जानोमीटर और एक होता है क्रेसोग्राफ सबसे पहले डायरेक्ट मेथड में हम मेजरिंग स्केल की मदद से चेक करते हैं कि हमारे प्लांट की हाइट कितनी बड़ी है बचपन सब ने सबने ये किया है ओके okay? मूंग का प्लांट अपन ग्रो करते हैं आपले हे अंकुर फुटला कि नाय फुटला जब हम पल्सेस ग्रो करते हैं तो उसमें से जो पहला अपना आप निकलता है कॉटलीडोन्स निकलते हैं तो वो डायरेक्ट मेथड होता है मेजर करने का हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप में हम एक पर्टिकुलर लेवल चेक करते हैं कि हमारे प्लांट्स की हाइट कितनी चेंज हो रही है ठीक है फील्ड में यह आपके प्रैक्टिकल लार्ज स्केल फील्ड में होता है ऑग्जेनोमीटर में दो टाइप के ऑग्जेनोमीटर होते हैं एक आर्क ऑग्जेनोमीटर एक सेफर ऑग्जेनोमीटर आर्क और फेफोर ऑग्जेनोमीटर की मैं फोटो दिखाती हूँ आपको ओके चलो तो मैं आपको ऑग्जेनोमीटर्स की फोटो दिखा देती हूँ सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्क ऑक्जेनोमीटर कैसे काम करता है बेसिकली जैसे जैसे आपका प्लांट का ग्रोथ होगा तो ये जो पुली कनेक्टेड है आपके प्लांट से ये पुली आपका जो पॉइंटर है वेट की वजह से ये अपना पॉइंटर चेंज करता है उससे हमको पता चलता है एक आर्क फॉर्म होता है मतलब एक सेमी सर्कल फॉर्म होता है उससे हमको पता चलता है कि हमारे प्लांट की ग्रोथ कितने सेंटीमीटर्स बढ़ रही है ठीक है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितने टाइम में कितना ग्रोथ हो रहा है यह हमारा आर्क ऑग्जेनोमीटर है ऐसे ही और एक ऑग्जेनोमीटर था फेफर ऑग्जेनोमीटर ये भी सेम आर्क ऑग्जेनोमीटर जैसा ही काम करता है हमारे प्लांट से कुछ पुलिस और वेट्स कनेक्टेड होते हैं जैसे जैसे हमारे प्लांट की ग्रोथ होगी तो प्रेशर के वजह से और वेट के वजह से ये जो पॉइंटर है ये पॉइंटर में आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं सो दिस इज योर फेफर ऑग्जेनोमीटर ठीक है ऐसे ही एक और डिवाइस आता है क्रेसोग्राफ क्रेसोग्राफ बेसिकली डेवलप किया था सर जे सी बोस ने ये बेसिकली मैग्निफिकेशन टेक्निक के ऊपर काम करता है तो इसमें हमको क्या देखने को मिलता है हमारे प्लांट की जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज्यादा एकदम टेन थाउजेंड टाइम्स ज्यादा फोकस से ऑब्जर्व की जाती है और उसका हमको ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है जिससे हमको पता चलता है कि एग्जैक्टली हमारे प्लांट की ग्रोथ कैसे हो रही है ठीक है ओके तो अब हम वापिस से आ जाते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और रिलेटिव ग्रोथ रेट के टॉपिक पे एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और रिलेटिव ग्रोथ रेट को कैसे समझना है एकदम सिंपल तरीका है समझो अच्छा एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और रिलेटिव ग्रोथ रेट समझने से पहले टाइप्स ऑफ ग्रोथ देख लेते हैं तो हमको यहाँ पर दो टाइप ऑफ ग्रोथ दिखाई गई है एक अरिथमेटिक ग्रोथ और एक ज्योमेट्रिक ग्रोथ अरिथमेटिक ग्रोथ क्या होती है इसमें आपके प्लांट्स के सेल्स जो है वो एग्जैक्ट नंबर के हिसाब से डबल होते हैं जैसे कि टू फोर सिक्स एट सेंटीमीटर ऐसे आपको प्लांट की ग्रोथ देखने को मिलती है यानी आफ्टर माइटोसिस वन ऑफ द डॉटर सेल विल कंटिन्यू टू डिवाइड एंड द अदर डॉटर सेल विल टेक पार्ट इन डिफ्रेंसिएशन इन मैचुरेशन यानी एक से जो दो सेल बनेंगे उसमें से एक सेल वापिस से डिवाइड होगा और एक सेल मैचुरेशन करने लगेगा यानी कि अगर मैं फोटो दिखाऊँ आपको अरिथमेटिक ग्रोथ की तो ऐसा कुछ होगा समझो इस एक सेल से जो ये दो सेल्स बने इसमें से लेट uh, मी Zoom it a bit हां इस एक सेल में से जो दो सेल बने इसमें से ये जो पिंक वाला सेल है ये मैच्योर हो गया और ये सेल आगे डिवाइड कर रहा है तो सिर्फ इसी सेल से और दो सेल्स बनेंगे क्योंकि ये वाला तो मैच्योर हो गया तो अब ये जो दो सेल्स बने हैं इसमें से एक मैच्योर हो जाएगा और ये वाला आगे जाके वापस से डिवाइड करेगा तो ऐसे हमको कंटीन्यूअस मैच्योरिटी और डिवीजन दोनों देखने को मिलता है ज्योमेट्रिक ग्रोथ में ऐसा नहीं होता है ज्योमेट्रिक ग्रोथ में आपको कंटिन्यू 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 डिवीजन देखने को मिलते जाता है एक से दो दो से चार चार से आठ आठ से सोलह ऐसे कंटिन्यूस डिवीजन देखने को मिलते जाता है जो हमको प्लांट के लॉग फेज में देखने मिलता है दिस इज द लैग फेज जब प्लांट हमको स्लो ग्रोथ दिखाता है दिस इज द लॉग फेज जब प्लांट हमको फास्ट ग्रोथ दिखाता है येस एवरीबडी ओके सो आप इसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो मैम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अरिथमेटिक ग्रोथ का इक्वेशन आपको पता होना चाहिए इट इज़ एल टी इक्वल्स टू एल जीरो प्लस आर टी इसमें आप याद कैसे रखोगे कौन सा इक्वेशन अरिथमेटिक ग्रोथ का कौन सा इक्वेशन ज्योमेट्रिक ग्रोथ का है तो आपको लॉस एंजलिस पता है सब लोग उधर पे जाते हैं क्लबिंग वगैरह करने के लिए इट इज इन यूनाइटेड स्टेट्स तो लॉस एंजलिस एल यानि की लीनियर ग्राफ और ए यानी कि एरिथमेटिक ग्रोथ ठीक है तो एल वाले जितने भी फॉर्मूला हैं ये अरिथमेटिक ग्रोथ के लिए है लॉस एंजलिस एल फॉर लीनियर ए ग्राफ हमको लीनियर एक देखने को मिलता है, देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ पे सेल का नंबर एग्जैक्ट सीक्वेंस में बढ़ रहा है दो दो, दो के सीक्वेंस में बढ़ रहा है मतलब आज दो सेल्स है तो कल चार फिर छह फिर आठ ऐसे अरिथमेटिक ग्रोथ हो रही है ज्योमेट्रिक ग्रोथ नहीं हो रही मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है ठीक है सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिथमेटिक ग्रोथ ओके और यही अगर हम ज्योमेट्रिक ग्रोथ देखें तो यहाँ पर कंटिन्यू माइटोसिस होते रहता है ठीक है दोनों के दोनों डॉटर सेल्स कंटिन्यू माइटोसिस दिखाते हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं डब्लू से सो इक्वल्स टू डब्ल्यू वन इक्वल्स टू डब्ल्यू जीरो इंटू ई रेस टू आर टी वट इज डब्लू वन फाइनल साइज ऑफ द प्लांट वॉट इज डब्लू जीरो इनिशियल साइज ऑफ द प्लांट वॉट इज आर ग्रोथ रेट वट इज टी एक्सप्लेन e? base of, base of तो किया जाएगा अभी के लिए सिर्फ आप फॉर्मुलाज याद करो ठीक है क्योंकि एग्जाम्स नजदीक आ गए ओके okay, और एक्चुअली में देखा जाए तो कोई भी प्लांट सिर्फ एडिथमेटिक ग्रोथ या सिर्फ ज्योमेट्रिक ग्रोथ नहीं दिखाता हमको ग्रोथ में प्लांट में रियल लाइफ में दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है यानी कि जब जायो डिवाइड होता है उस टाइम पे हमको ये देखो आपका जो जायोडिंगयो डिवाइड हो रहा है स्टेजेस ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शोइंग एंड अरिथमेटिक ग्रोथ तो जब आपका डिवाइड होता है ना बेटा तो उस टाइम पे हमको ज्योमेट्रिक ग्रोथ देखने को मिलती है एक से दो सेल बन रहे हैं ओके और ये धीरे धीरे करके कंटिन्यूसली डिवाइड हो रहे हैं एक से दो बनेंगे एक परमानेंट बनेगा और जो एक है वो वापिस से आगे जाके दो सेल बनाएगा और वही टिक ग्रोथ आगे जाके हमको क्या दिखाता है ज्योमेट्रिक फेज दिखाता है ये देखो ये आपका एरिटिक फेज है जिसमें आपके कौन से सेल्स डिवाइड हो रहे हैं कौन से सेल्स डिवाइड नहीं हो रहे हैं पिंक वाले सेल्स डिवाइड हो रहे हैं ब्लू वाले सेल्स डिवाइड नहीं हो रहे हैं यानी कि दिस इज अरिथमेटिक फोज क्योंकि अरिथमेटिक फेज में एक सेल डिवाइड होगा एक सेल डिवाइड नहीं होगा हाफ सेल डिवाइड होंगे हाफ सेल डिवाइड नहीं होंगे ज्योमेट्रिक फेज में सारे के सारे सेल्स डिवाइड होते हैं तो प्लांट की ग्रोथ दोनों के कॉम्बिनेशन से देखने को मिलती है ठीक है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और रिलेटिव ग्रोथ रेट को कैसे समझना है समझो आपके पास कोई लीफ है डे वन में इस लीफ का साइज था फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर और डे टू में इस लीफ का साइज हो गया टेन सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि एग्जैक्ट डबल ग्रोथ हुई है तो इस ग्रोथ को बोलते हैं हंड्रेड परसेंट ग्रोथ और इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट लेकिन प्रैक्टिकली ऐसी ग्रोथ रेट देखना पॉसिबल नहीं है क्योंकि एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं ठीक है थीके? तो अगर ऐसी ग्रोथ हमको देखने मिल रही है जहां पे आपको सीधे डबल होते हुए दिखाई दे रहा है साइज तो दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट बट एक्चुअल में हमको कौन सी ग्रोथ देखने को मिलती है रिलेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिलता है रिलेटिव ग्रोथ रेट में हमको क्या देखने को मिलता है समझो डे वन में आपके प्लांट का साइज फिफ्टी सेंटीमीटर स्क्वायर है और डे टू में सिर्फ पांच सेंटीमीटर बढ़ा तो अगर पांच सेंटीमीटर बढ़ा यानी कि ये डबल नहीं हुआ इसकी ग्रोथ सिर्फ दस परसेंट बढ़ी यहाँ पे हंड्रेड परसेंट बड़ी है क्योंकि सीधा डबल हो गया है यहाँ पे सिर्फ दस परसेंट ग्रोथ बढ़ी है अगर ये फिफ्टी फाइव की जगह पे हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है यानी डबल हो जाता डबल हो जाना यानी हंड्रेड परसेंट ग्रोथ हो जाना करेक्ट अगर सेवेंटी फाइव होता तो फिफ्टी परसेंट ग्रोथ हो जाती बट यहाँ पे सिर्फ पांच सेंटीमीटर बढ़ा है यानी कि दस परसेंट ग्रोथ बढ़ा है मतलब समझो आपकी हाइट अचानक से एक फुट से चार फुट नहीं हो जाती ना एक फुट एक इंच एक फुट दो इंच एक फुट तीन इंच होती है उसको बोलते हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट डबल अचानक से नहीं होते हम ये नहीं तो हेरा फेरी जैसा हो जाएगा एक का डबल एक का डबल एक का डबल ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता रियल लाइफ में रिलेटिव ग्रोथ रेट होती है यानी जैसे जैसे आप काम करोगे ऑफिस में वैसे वैसे परसेंट वाइज आपका बोनस बढ़ता है दस परसेंट इंक्रीमेंट पंद्रह परसेंट इंक्रीमेंट ट्वेंटी परसेंट इंक्रीमेंट ऐसे तो ला, रियल लाइफ में रिले रिलेटिव ग्रोथ रेट काम आता है ऐसे याद रखो ठीक है ओके अब हम बात करते हैं ग्रोथ कर के बारे में देखो ये क्वेश्चन जो है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर थर्टीन में भी है और चैप्टर नंबर सेवन में भी है मैंने तब भी बोला था मैं अब भी बोल रही हूँ सेम टॉपिक दो दो चैप्टर में आया है तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा ठीक है हमको ग्रोथ कर्व दो टाइप के दिखाए जाते हैं एक लीनियर ग्रोथ कर्व और एक सिगमॉइडल ग्रोथ कर्व ठीक है लीनियर एक्सपोनेंशियल एंड सिग्मोडल ठीक है एरिथमेटिक ग्रोथ कर्व लीनियर है ज्योमेट्रिक ग्रोथ कर्व कैसा होता है एक्सपोनेंशियल होता है व्हाट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व में स्टार्टिंग में हमको लैग फेज देखने को मिलता है लैग फेज यानी कि वेरी स्लो ग्रोथ रेट और फिर जब कुछ सेल्स जमा हो जाते हैं तो यही सेल्स माइटोसिस करके फास्ट ग्रोथ दिखाते हैं सो दिस इज द लॉग फेज फास्टर ग्रोथ रेट और फिर जब न्यूट्रिएंट कम हो जाएगा समझो अभी सेल ज्यादा हो गए पर खाना कम पड़ने लगा जब खाना कम पड़ने लगेगा तो ऑटोमेटिकली सेल्स की ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाएगी सो ये ग्रोथ रेट आ जाता है स्टेशनरी फेज जहाँ पे आपके सेल की ग्रोथ जो है धीरे धीरे कम होते जाती है और जब यही ग्रोथ रेट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद टोटली स्टॉप हो जाएगी और डिक्लाइन देखने को मिलेगा डेथ देखने को मिलेगी तो ये बन जाएगा आपका सिगमोइड ग्रोथ कर्व कौन सा ग्रोथ कर्व बन जाता है ये सिग्मोइड ग्रोथ कर्व ठीक है सो दैट टोटल पीरियड रिक्वायर्ड फॉर ऑल फेजेस टू अकर ये लैग फेज एक्सपोनेंशियल फेज और स्टेशनरी फेज ये तीनों फेजेस होने के लिए कितना टाइम लगा उस पीरियड को बोलते हैं ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ क्या बोलते हैं उस पीरियड पीरियड को ग्रैंड ऑफ ग्रोथ इज दिस क्लियर ओके अब ये जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन क्या बताया गया हमको इस टॉपिक में सिंपल एकदम सिंपल मीनिंग है डिफ्रेंसिएशन मतलब क्या होता है आपके जो सेल्स हैं वो मेच्योर हो रहे हैं सो डिफ्रेंसिएशन एक्चुअली मतलब क्या होता है मैच्योरेशन दसवीं के बाद बोलते हैं ना बच्चे मैचर हो जाते हैं और अपना अपना करियर डिसाइड कर लेते हैं कोई साइंस ले लेता है कोई कॉमर्स ले लेता है कोई आर्ट्स ले लेता है तो दिस इज डिफ्रेंसीशन यानी कि सेल्स मेच्योर हो रहे हैं मैच्योरेशन हो रहा है और वो धीरे धीरे करके वापस पीछे नहीं जा सकते सो दे लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड रीडिवाइड ओके दिस इज डिफ्रेंसीएशन ठीक है ओके okay. नेक्स्ट आता है डी डिफ्रेंसिएशन अब कभी कभी क्या होता है समझो किसी बच्चे ने साइंस ले लिया बट उसको साइंस समझ में नहीं आ रही तो अब वो अपना फील्ड चेंज करना चाहता है ग्यारहवीं उसने साइंस से पढ़ा उसको साइंस में मज़ा नहीं आया उसको लिटरेचर अच्छा लग रहा है या उसको डांसिंग अच्छा लग रहा है या उसको पेंटिंग अच्छा लग रहा है या उसको जर्नलिज्म में जाना है तो वो अब ग्यारहवीं वापस से रिपीट करेगा लेकिन दूसरे फील्ड में आर्ट्स में तो साइंस के बच्चे को जैसे फील्ड चेंज करने का ऑप्शन होता है वैसे ही हमारे प्लांट के कुछ टिश्यू होते हैं जो अपनी अपनी बाजी पलट सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे डिफ्रेंसीशन में क्या हो रहा था सेल मेच्योर हो गए थे लेकिन मेच्योरेशन होते होते समझो हमारे प्लांट को अचानक से कुछ झटका लगा और उसको ऐसे जरूरत महसूस हुई कि मुझे फिर से डिवाइड होना है ठीक है तो वो जब फिर से ये कैपेसिटी अंडर गो कर लेते हैं दे रीगेन द सेम कैपेसिटी एज पर द नीड एंड वेन दे स्टार्ट डिवाइडिंग इसको बोलते हैं डी डिफ्रेंसीशन यानी कि वो मैचोरेशन नहीं है वो मेच्योर जो हो गए थे वो अब फिर से पीछे आ रहे हैं और फिर से उन्होंने डिवाइड होना स्टार्ट किया इसका एग्जाम्पल क्या आएगा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम या कॉर्क कैम्बियम यानी जैसे गाजर के बीच में ये जो येल्लो वाला पार्ट होता है ना कड़वा कड़वा वाला पार्ट ये इसको बोलते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम तो ये जो ग्रोथ होती है ये डी डिफ्रेंसिएशन की वजह से होती है ताकि गाजर का डायमीटर बढ़ जाए मोटा हो जाए गाजर ओके ऑल राइट right. और एक बार डी डिफ्रेंसिएशन हो गया तो ये आपने देखा होगा कि गाजर का जो स्टार्टिंग का पार्ट होता है यहाँ पे ये येलो येलो पार्ट नहीं रहता है ये येलो येलो वाला कड़वा वाला पार्ट किधर आता है जब गाजर खत्म होने वाला है तो एक बार ये डिडिफ्रेंसिएशन हो गया तो अब गाजर रेडी है मेच्योर होने के लिए तो वापिस से जब वो मेच्योर हो जाएगा उसको बोलेंगे रीडिफरेंशन क्या बोलेंगे रीडिफरेंसीशन यानी कि फिर से इनकी डिवाइड करने की कैपेसिटी लूज हो जाती है ठीक है देखो आपने साइंस लिया मतलब आप मेच्योर हो गए मतलब आपने डी, डि, 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 डि whole, आपने डिफ्रेंसीशन किया बट साइंस लेके आपको ऐसा लगा नहीं भाई हमसे ना हो पाएगा तो आपने कॉमर्स या आर्ट्स ले लिया मतलब आप फिर से वापस स्टेज वन पे चले गए डी डिफ्रेंसीेशन पे चले गए अब आपको कॉमर्स या आर्ट्स लेके अच्छा लग रहा है या मैं साइंस कॉमर्स आर्ट्स का एग्जाम्पल नहीं देती हूँ मैं जॉब का एग्जाम्पल देती हूँ आप किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रहे हो आपको वो कंपनी अच्छी नहीं लगी आप फिर से ज़ीरो पे गए आपने नया स्किल सीखा नया टेक्निक सीखा और आप तो उसको बोलते हैं डी डीडिफ्रेंसीशन आप एकदम बेस में चले गए और अब आपने न्यू कंपनी ज्वाइन की और उधर पे आप सेटल हो गए क्योंकि अब आपको आपकी न्यू जॉब अच्छी लग रही है तो दैट इज़ कॉल्ड एज रीडिफ्रेंसीिएशन अब आपको वापस पीछे नहीं आना पड़ेगा अब आप फाइनली मेच्योर हो गए सो दिस इज़ कॉल्ड एज डी डीडिफरेंसिएशन एंड री डिफ्रेंसीेशन यहाँ तक समझ में आया सबको पक्का ऑल राइट फिर नेक्स्ट आता है अपना डेवलपमेंट वाला टॉपिक अभी प्लांट की जो डेवलपमेंट होती है रातों रात नहीं होती है ये डेवलपमेंट हमको एक पर्टिकुलर स्टेप्स में दिखाई देती है ठीक है इसमें हमको सारे चेंजेस आते हैं जैसे कि राइट फ्रॉम द जर्मिनेशन ऑफ द सीड मतलब आपके सीड में जब जर्मिनेशन स्टार्ट हुआ कॉर्टिलिडॉन्स फॉर्म होना स्टार्ट हुए मेरिस्टमैटिक टिश्यू फॉर्म हुआ सेल डिविजन हुआ प्लाज्मा की ग्रोथ हुई सेल इलॉन्गेशन हुआ रेडिकल और क्लीम्यूल फॉर्म हुए मेचोर सेल हुआ ओके okay, फिर उसके बाद वो सेल एजिंग दिखाने लगा यानी कि प्लांट की ग्रोथ पूरी हो गई और उसमें से लीव्स वगैरह झरने लगे प्लांट मर गया तो दिस इज द एज मतलब ये बोलते हैं ना हमारे प्लांट की जो जिंदगी का सफर है इस सफर को हम बोलते हैं प्लांट डेवलपमेंट द स्टेजेस थ्रू विच अ प्लांट ग्रोस टू डेवलपेड सेल्स ओके तो इसमें कौन से कौन से स्टेजेस आते हैं ग्रोथ यानी बेसिक सेल डिविजन मॉर्फोजेनेसिस यानी अलग अलग ऑर्गन्स बनाना जैसे कि लीफ फ्लावर बर्ड फ्रूट और मैचुरेशन फ्रूट वगैरह फॉर्म करना एंड सेनेसेंस यानी एजिंग ओके मर जाना सो दिस इज द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट नेक्स्ट बारी आती है प्लास्टिसिटी की दिस इज वन ऑफ द वेरी सिंपल टॉपिक जिसका डेफिनेशन आपको कंपलसरी बोर्ड्स में पूछा जा सकता है मैं तो जैसे जैसे टॉपिक कवर कर रही हूँ वैसे वैसे मैं आपको ये भी बताते जा रही हूँ कि बोर्ड्स में क्या एग्जाम में आएगा और क्या नहीं आएगा सो so, प्लास्टिसिटी के टॉपिक में आपको डेफिनेशन पूछा जाता है व्हाट इज प्लास्टिसिटी इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ बीइंग मोल्डेड फॉर्म्ड और मॉडल्ड यानी कि प्लांट की जो स्पेशल एबिलिटी होती है टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल कंडीशन इज कॉल्ड एज प्लास्टिसिटी एनवायरमेंट के हिसाब से प्लांट अपने स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस दिखा रहा है उसको हम प्लास्टिसिटी बोलते हैं जैसे कि बहुत सारे प्लांट में जब हमारा प्लांट यंग होता है जुविनाइल स्टेज यानी कि बहुत ही नन्ना मुन्ना सा यंग स्टेज उस स्टेज में वो हमको अलग लीव्स दिखाएगा और मेच्योर स्टेज में हमको एकदम अलग लीव दिखाता है अडल्ट स्टेज में अलग लीव दिखाता है सो so इसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी या वाटर के प्लांट्स हमको अलग लीव का स्ट्रक्चर दिखाते हैं सो दिस इज कॉल्ड एज प्लास्टिसिटी बेसिकली प्लास्टिसिटी मीन्स डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ लीव या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट ठीक है सो दैट इज नोन एज प्लास्टिसिटी एंड इट चेंजेस एज पर द एनवायरमेंटल कंडीशन गर्मी हुई तो प्लांट के जो लीफ है वो गिर जाते हैं ताकि वाटर ना इवेपोरेट हो ट्रांसपीरेशन ना हो यानी एप्सिशन होने लग जाता है सो दिस इज प्लास्टिसिटी या लीफ खुद को श्रिंक करके थॉर्न बना लेता है दिस इज प्लास्टिसिटी जिसको हमने चैप्टर इलेवन स्टैंडर्ड में मॉडिफिकेशन पढ़ा था राइट right? कांटे बन जाते हैं ताकि वाटर इवेपोरेट ना हो एटसेट्रा एटसेट्रा सो प्लास्टिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है अगर प्रॉपर ग्रोथ करनी है तो प्रॉपर ग्रोथ करने के लिए कुछ असेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जिसमें से हार्मोन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है अभी यहाँ पे सबसे पहला एमसीक्यू क्वेश्चन ये है कि हॉर्मोन यह टर्म किसने दिया था एनिमल फिजियोलॉजी में मतलब एनिमल्स की जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो हॉर्मोन यह टर्म किसने दिया था स्टारलिंग नाम के साइंटिस्ट ने दिया था किसने दिया था स्टारलिंग नाम के साइंटिस्ट ने हारमोन टर्म दिया था द इंटरनल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ग्रोथ आर कॉल्ड ग्रोथ रेगुलेटर्स देखो बहुत सारे हार्मोन्स हमारी बॉडी में बनते हैं और बहुत सारे हार्मोन्स हमको बाहर से सप्लीमेंट की तरह लेने पड़ते हैं बट कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो हमारी ग्रोथ के साथ इंटरफेयर करता है उस केमिकल सब्सटेंस को हम बोलते हैं ग्रोथ रेगुलेटर रेगुलेटर क्यों बोलते हैं जैसे फैन का वो गोल गोल रेगुलेटर होता है ना जिसकी मदद से हम स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं वैसे ही हार्मोन्स हमारे रेगुलेटर है क्योंकि हार्मोन्स की मदद से हम क्या करते हैं हॉर्मोन्स की मदद से या तो हम अपनी ग्रोथ बढ़ा सकते हैं या तो कम कर सकते हैं तो देखो इधर पे आपको प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स के अलग अलग टाइप्स दिए गए हार्मोन्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं एक ग्रोथ प्रमोटर एक ग्रोथ इनहिबिटर प्रमोटर की अगर मैं बात करूं एक मिनट रुको हाँ प्रमोटर की अगर मैं बात करूं तो तीन है ऑक्सिन साइटोकाइनिन एंड गिबरलिन ठीक है तीन ग्रोथ हार्मोन्स ग्रोथ प्रमोट करते हैं यानी ग्रोथ को डेवलप करते हैं और बाकी के जो दो ग्रोथ हार्मोन्स हैं उसमें से एक कंपलसरी ग्रोथ इनहिबिटर है मतलब ये वाला हार्मोन तो ग्रोथ स्टॉप करेगा कंपलसरी ये प्लांट को ग्रो नहीं होने देगा इसको हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं ये जो फोर्थ हार्मोन है ना ये टू इन वन है मतलब ये कभी कभी ग्रोथ प्रमोट करता है कभी कभी ये ग्रोथ इनहिबिट करता है तो ये अपने मर्जी के हिसाब से काम करता है येस एवरीबडी ओके सो देखो ऑल फाइटो हॉर्मोन्स प्लांट हॉर्मोन्स को हम क्या बोलते हैं हाँ फाइटो हार्मोन्स को हम क्या बोलते हैं फाइटो मतलब प्लांट फाइटो मतलब क्या होता है प्लांट ओके तो देखो इधर पे अभी आपको ये नो द साइंटिस्ट वाला बॉक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इधर नो द साइंटिस्ट वाले बॉक्स में हमको क्या बताया गया है अलग अलग ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट थे डार्विन बॉयसन जेनसन पाल एंड वेंट इन लोगों ने बहुत सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए थे डार्विन ने क्या किया उन्होंने ना एक घास ली एक स्पेशल टाइप की घास आती है एवेना सीलियोबाइल एक स्पेशल टाइप की घास आती है एवेना सीलियोब टाइल तो उन्होंने एक घास ली एवेना सिलियो टाइल उन्होंने उसका स्टेम मतलब डार्विन को ये चेक करना था कि आखिर बिना लाइट के प्लांट ग्रो हो सकते कि नहीं हो सकते लाइट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है प्लांट के ग्रोथ के लिए ये चेक करना था ठीक है और इसका मतलब बोलते हैं ना इसको बोलते दिमाग में कीड़े आना और अपने साइंटिस्ट लोगों के दिमाग में ऐसे बहुत सारे कीड़े आते रहते हैं डार्विन तो ने क्या किया उन्होंने एवेना सिलियो का टिप लिया स्टेम लिया और उस स्टेम को ऊपर से कट कर दिया ओके या ऐसा बोल सकती हूँ मैं कि उन्होंने उस स्टेम को कट नहीं किया उस स्टेम के ऊपर उन्होंने एक ढक्कन लगा दिया जिसकी मदद से उन्होंने क्या किया स्टेम के ऊपर एक ढक्कन लगा दिया और उस ढक्कन के वजह से सनलाइट टोटली ब्लॉक हो गई सो नो सनलाइट अब सनलाइट अगर नहीं आ रही थी तो हमने क्या देखा कि प्लांट में बेंडिंग ही नहीं हो रहा है प्लांट बेंड नहीं हो रहा है प्लांट जैसे का जैसा स्ट्रेट है उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया दिस वॉज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ये डार्विन के एक्सपेरिमेंट की हम बात कर रहे हैं सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया उन्होंने ना टिप कट कर दिया सिलियप टाइल लिया और इसका टिप जड़ से काट दिया और अब उन्होंने सनलाइट को ओपन रखा तो अब उन्होंने क्या देखा कि अभी भी देर इज नो बेंडिंग मतलब यार पहले तो मैंने सनलाइट ही नहीं दिया था तो नो no बेंडिंग था अभी मैं सनलाइट दे रहा हूँ लेकिन मैंने टिप को काट दिया है तो इसका मतलब टिप भी इम्पॉर्टेंट है टिप भी इम्पॉर्टेंट है सनलाइट भी इम्पोर्टेंट है तो अब हमने क्या किया इधर पे अब हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया सेकेंड एक्सपेरिमेंट में भी बेंडिंग नहीं हुई तो थर्ड एक्सपेरिमेंट में डार्विन ने क्या किया उन्होंने टिप को कवर भी नहीं किया और उन्होंने टिप को काटा भी नहीं टिप को वैसे का वैसा ही रहना दिया ओपन रहने दिया और फिर सनलाइट का सोर्स प्रोवाइड किया तो उनको क्या देखने को मिला कि सीलियोटाइल का जो प्लांट है वो बेंड हो गया क्या हो गया वो बेंड हो गया तो दिस वाज अ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट परफॉर्मड बाय डार्विन सेकंड आता है बॉयसन जेंसन सेकंड सेकंड कौन आए बॉयसन जेंसन आए अब इन्होंने भी सोचा मैं भी तो कुछ तो करके देखता हूँ ठीक है मैं कैसे शांत बैठ सकता हूँ तो इन्होंने पहले यही वाला एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने टिप ओपन रखा और सनलाइट सोर्स प्रोवाइड किया तो टिप बेंड हो रहा है पर इन्होंने सोचा आखिर टिप में ऐसा क्या है जिसके वजह से प्लांट बेंड होता है तो इन्होंने क्या किया इन्होंने टिप कट किया लेकिन टिप कट करने के बाद उन्होंने ना बीच में एक जेल वाला सब्सटेंस रख दिया जेली जिलेटिन सब्सटेंस जिलेटिन सब्सटेंस कैसा होता है इधर पे जो भी न्यूट्रिएंट्स रहेंगे ये न्यूट्रिएंट्स इस जेल से डिफ्यूज़ होके अभी भी ट्रांसपोर्ट चालू ही है मतलब ऐसा नहीं है कि आपने जेली रख दिया तो ट्रांसपोर्टेशन ब्लॉक हो गया जेली रखने के बाद भी ट्रांसपोर्टेशन तो कंटिन्यू चल ही रहा है यस तो जब उन्होंने इधर पे सनलाइट प्रोवाइड किया तब भी उनको बेंडिंग देखने को मिली ओके बेंडिंग कब नहीं हुई यहाँ पे बेंडिंग हो रही है यहाँ पे बेंडिंग हो रही है बेंडिंग कब नहीं हुई जब उन्होंने टिप को रिमूव कर दिया और फिर सनलाइट प्रोवाइड किया तो हियर इट वाज नो बेंडिंग ओके okay. इसका मतलब अभी तक तो ये कंक्लूजन निकल गया था कि बेंडिंग टिप बहुत जरूरी है टिप और सनलाइट दोनों सोर्सेज बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक है ओके okay. अब इधर पे देखो थर्ड एक्सपेरिमेंट में पाल आए पाल सर आए पाल सर ने क्या किया पाल ने क्या किया है ए भगवान कैसे कैसे बच्चे आते हैं ठीक है पाल ने उन्होंने बेंडिंग इन एबसेंस ऑफ लाइट मतलब पाल ने क्या किया यहाँ पे जो सनलाइट का सोर्स होता है ना पाल ने क्या देखा कि लाइट के बिना भी हमारा प्लांट बेंड हो रहा है क्योंकि उन्होंने ऐसा सोचा कि जो प्लांट्स जो प्लांट्स रात को उगते हैं उनको तो सनलाइट नहीं मिलती बट उनको मून लाइट तो मिलती है सो पाल ने क्या किया बिना सनलाइट के उन्होंने बेंडिंग टिप रह, रहने दिया प्लांट का टिप रहने दिया और फिर भी उनको बेंडिंग दिखाई दे दे रही थी अरे ठीक है रे ठीक है ठीक है रूमिनेट इट्स ओके चिल करो तुम लोग हाँ सो पाल सर ने क्या ऑब्जर्व किया कि बिना सनलाइट के भी हमारा टिप बेंड हो रहा है सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया टिप प्लेस्ड ऑन वन साइड इन्होंने ना टिप को एक साइड में खसका के रख दिया मतलब टिप था उधर पे लेकिन टिप को एक साइड में खसका के रख दिया और अब उन्होंने क्या देखा कि अभी भी प्लांट बेंड हो रहा है अभी भी प्लांट बेंड हो रहा है क्योंकि आधा टिप रखा है तो जो सब्सटेंस इधर पूरे टिप में था उसमें से आधा सब्सटेंस तो पास हो रहा है और सनलाइट के वजह से अभी भी बेंडिंग होगी या विदाउट सनलाइट भी बेंडिंग होगी देखो मेन इधर पे कंक्लूजन क्या था कि टिप के ऊपर कुछ तो ऐसा है जो प्लांट को बेंड करने में हेल्प करता है और वो कुछ तो क्या था वो था अपना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वो क्या था अपना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ओके और थर्ड एक्सपेरिमेंट वापिस अगर आप टिप रिमूव कर दोगे तो प्लांट में बेंडिंग नहीं होगी और लास्ट में अपने आए एफ डब्ल्यू वेंट एफ डब्ल्यू वेंट ये लास्ट साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या किया इन्होंने सीलियोबाइल के टिप्स लिए इन्होंने क्या किया इन्होंने सीलियोबाइल के टिप्स लिए सीलियोबाइल के टिप्स को कट किया सीलियोपटाइल के टिप्स को कट किया और

अगार की जेली को उन्होंने जब प्लांट के टिप के ऊपर रखा तो प्लांट को थोड़ी ना तो पता चलेगा कि मेरे सर के ऊपर क्या रखा है मेरे सर के ऊपर आपने अगार रखा है या मेरे सर के ऊपर आपने प्लांट का टिप रखा है ये प्लांट को थोड़ी पता चलेगा प्लांट को तो सिर्फ उसके अंदर जो केमिकल है उससे लेना देना है तो एफ डब्ल्यू ने बताया कि एक्चुअली टिप में कुछ ऐसा केमिकल होता है जो प्लांट को बेंड करने में हेल्प करता है और उस केमिकल का नाम था आई ए ए मोलिक्यूल आई ए ए इंडोल एसिटिक एसिड जिसको हम कॉमनली बोलते हैं ऑक्सिन हॉर्मोन जिसको हम क्या बोलते हैं ऑक्सिन हॉर्मोन सनलाइट जिस डायरेक्शन से आती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये ऑक्सिन हार्मोन्स शिफ्ट हो जाते हैं जिसके वजह से प्लांट बेंड होता है सो दिस इज द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय एफ डब्ल्यू वेंट तो आपके लिए मैं आपका काम इतना आसान करने के लिए लेकर आई हूँ मैंने पूरा पांच हॉर्मोन्स का एक टेबल बना दिया है आपको इस चैप्टर का थियोरी पढ़ने का जरूरत ही नहीं है आप सिर्फ ये टेबल अगर आप पढ़ के जाते हैं तो चार मार्क्स आपके पॉकेट में आ जाएंगे किधर आ जाएंगे आपके पॉकेट में देखो कितने पॉइंट्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट अगर चार मार्क्स के लिए भी ये क्वेश्चन आता है अगर चार मार्क्स के लिए भी ये क्वेश्चन आता है तो आप आराम से इसको स्कोर कर सकते हैं मैं साइड में हो रही हूँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फटाक से दस मिनट में इसको एक्सप्लेन करके चैप्टर खत्म करते हैं यस एवरीबडी मैं साइड में हो रही है स्क्रीन ले लो ले लिया सबने स्क्रीनशॉट अरे चेयर तो साइड में किया ही नहीं ठीक है डन आप लोगों का काम बहुत आसान कर दिया है ठीक है चलो डन ओके okay. हाँ सो so, देखो इधर पे एक चीज और इधर पे देखो ये पैराग्राफ भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें थिमन एंड पिंकस ने हार्मोन का डेफिनेशन दिया है व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स अकॉर्डिंग टू थिमन एंड पिंकस प्लांट हार्मोन्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑर्गेनिक यानी नेचुरल सब्सटेंसेस जो प्लांट्स में प्रोड्यूस होते हैं लेकिन जहां पे ये हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं ये उधर पे फंक्शन नहीं दिखाते हैं ये दूर जाके फंक्शन दिखाते हैं सो so, इसको बोलते हैं प्लांट हॉर्मोन्स जहां पे ये प्रोड्यूस हो रहे हैं ये उधर पे फंक्शन नहीं दिखाएंगे ये जहां से प्रोड्यूस हुए हैं उधर से दूर जाके रिमोट फ्रॉम इट्स प्लेस ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन दिखाते हैं, हैं, ओके? और जैसे खाने में कैसे हम थोड़ा सा कम नमक डालते हैं, वैसे ही हॉर्मोन्स की भी जरूरत एकदम कम क्वांटिटी में होती है एक किलो सब्जी में एक किलो नमक नहीं डालते हो ना आप लोग वैसे ही अगर बड़ा सा पेड़ है तो उसमें बहुत ज्यादा हॉर्मोन्स नहीं जाएगा थोड़ा सा ही हॉर्मोन्स जाएगा यस एवरीबडी ओके तो हार्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू फ्लोएम पैरें कायमा हार्मोन्स कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्लोएम टिश्यू की मदद से ट्रांसपोर्ट होते हैं बिकॉज हार्मोन्स आर नथिंग बट मिनरल्स एंड मिनरल्स आर अ पार्ट ऑफ फूड और फूड कौन ट्रांसपोर्ट करता है Xylem. सॉरी फ्लोएम फूड कौन ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम तो ये फिलिप्स ने बताया था कि हॉर्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू फ्लोएम पेरनकाइमा येस एवरीबडी ओके अभी देखो इधर पे पांच हॉर्मोन्स है ये अपना प्रमोटर है ग्रोथ प्रमोटर है ये अपना ग्रोथ प्रमोटर है ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे यहाँ ये अपना ग्रोथ प्रमोटर है इथिलीन जो है ये प्रमोट भी करता है और इनहिबिट भी करता है सो इट इज अ टू इन वन इट इज अ टू इन वन हॉर्मोन ओके इधर गई मैम सॉरी प्रमोटर 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 एंड इनहिबिटर प्रमो इनहिबिटर राज एम एस टी सी टी सा पेड कोर्स बेटा हम लोग लॉन्च नहीं करने वाले हैं सो डोंट डोंट स्पैम विद दैट मैसेज ठीक है ओके तो देखो इधर ऑक्सिड अभी तक हमने क्योंकि कुछ प्लान नहीं किया है कि हम ऐसा कुछ पेड कोर्स लॉन्च करेंगे सब कुछ फ्री यूट्यूब पे ही प्रोवाइड करेंगे और मराठी में नहीं शिकार मैं पूर्ण टॉपिक बिकॉज माजी मराई एवरी चांगली नहीं है कि मैं तुम्हारा अख्खा चा अख्खा बायोलॉजी मराठी में शिकव शक्त ओके आई एम मोर कम्फर्टेबल विथ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज और हिंदी सबको समझ में आता है ठीक है ओके okay, चलो देखो इधर पे हॉर्मोन सबसे पहला ऑक्जिन हार्मोन ये ग्रोथ प्रमोट करता है इसको किसने डिस्कवर किया एफ वेंट ने सब लोग ये लिखते जाओ मैं आप लोगों को सच में बोल रही हूँ इसको लिखते जाओ ठीक है लिखोगे ना आपको टाइम बचेगा क्योंकि मोबाइल में स्क्रीन से आपका पूरा फोल्डर भर गया है ओके सो ऑक्जिन हार्मोन किसने डिस्कवर किया एफ डब्ल्यू वेंट ने डिस्कवर किया ऑक्सिन हार्मोन बनाने के लिए हमको कौन सा प्रीकर्सर मॉलिक्यूल चाहिए अब आप पूछोगे मैम प्रीकर्सर मतलब क्या होता है प्रीकर्सर मतलब क्या होता है जैसे आपके एग्जाम आ जाते हैं तो आपके पीछे पढ़ना पड़ता है मम्मी आपके पीछे पड़ी रहती है पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर तो मम्मी को हम बोलते हैं प्री करसर वैसे ही कोई भी हार्मोन कोई भी केमिकल प्लांट में बनाने के लिए ह्यूमंस में बनाने के लिए हमको पहले उसको कुछ प्री करसर देना पड़ता है यानी कि उसको कुछ इनिशियल सोर्स देना पड़ता है तो ऑक्सीजन के लिए अपना कौन सा इनिशियल अमीनो एसिड चाहिए ट्रिप्टोफैन चाहिए ट्रिप्टोफैन की वजह से आपका ऑक्सीजन हार्मोन बनता है नेचुरल एग्जाम्पल क्या है ऑक्सीजन हार्मोन का इंडोल एसिटिक एसिड सिर्फ इंडोल एसिटिक एसिड आसेट लिखा तो आंसर रॉन्ग मिलेगा ये थ्री लिखना जरूरी है आई यूपीएससी नोमिन क्लेचर पढ़ा है ना आपने? सो so, इंडोल थ्री एसिटिक एसिड आसेट लिखना बहुत जरूरी है फिर उसके बाद आता है अपना सिंथेटिक फॉर्म सिंथेटिक फॉर्म मतलब क्या होता है जो हमने लैब में बनाया है जो हमने केमिकली सिंथेसाइज किया है सो so, उसके तीन एग्जांपल्स है एन ए ए मन नैफ्थलिन एसिटिक एसिड आसेट, इसका फुल फॉर्म आपको थ्योरी में से मिलेगा आई बी ए मजे इंडोल ब्यूट्रिक एसिड ये देखो नैफ्थली एसिटिक एसिड आसेट, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड एंड टू फोर डी पाएक्लोरो पाएक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड आसेट, ठीक है सो so, ये आपके सिंथेटिक फॉर्म्स हैं आपका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है ये बेसिपिटल ट्रांसपोर्टेशन दिखाता है बेसिपिटल ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या होता है ये शूट में बनता है और बेस की तरफ जाता है बेसिपिटल मतलब ऊपर से बन के बेस की तरफ आएगा और एक्रोपिटल मतलब क्या होता है रूट में बनेगा एक्रोपिटल मतलब रूट में बनेगा और शूट की तरफ जाएगा इसको एक्रोपिटल बोलते हैं रूट में बन के पेटल की तरफ जाता है तो इसको बोलते हैं एक्रोपिटल यस yes, ओके okay. लेकिन हमको ऑक्सीजन में बेसिक ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है ठीक है इसका मेन फंक्शन क्या है ऑक्सीजन का मेन फंक्शन क्या है ये एपिकल डोमिनेंस दिखाता है एपिकल डोमिनेंस डोमिनंस का यस्त एपिकल डोमिनेंस मतलब एपेक्स में हमको ज्यादा बर्ड्स देखने को मिलेंगे ये देखो ऐसे स्टेम के एपेक्स में ये बर्ड ग्रो हो जाते हैं जो बर्ड इधर पे ग्रो होते हैं इनको हम बोलते हैं लेटरल बर्ड्स जो बर्ड स्टेम और लीफ के बीच में ग्रो होता है इसको बोलते हैं लेटरल बर्ड या एक्सिलरी बर्ड क्या बोलते हैं इसको हम लेटरल बर्ड या एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं ये देखो लेटरल बर्ड या एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं इसको हम लेकिन ऑक्सिन हार्मोन की वजह से हमको एपिकल बर्ड देखने को मिलता है और ये एपिकल बर्ड प्लांट की ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं तो आपने देखा होगा ना गार्डनर लोग क्या करते हैं माली लोग क्या करते हैं वो लोग प्लांट की टिप काट देते हैं ताकि ये बर्ड्स निकल जाए और प्लांट की ग्रोथ लंबी लंबी होती रहे ओके सो

पीछे से वापस वीडियो करके देखो या फिर आप इसका डिटेल वाला वीडियो देखो बेटा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ओके सो इट इज फॉर्मड इन शूट टिप इट इज फॉर्मड इन रूट टिप इट इज फॉर्मड इन यंग लीफ एंड इट इज फॉर्म्ड इन प्रीमोडियल स्टेम प्रीमोडियल स्टेम मतलब क्या होता है यंग स्टेम जब आपका प्लांट छोटा रहता है तो उस छोटे वाले स्टेज में आपको ऑक्सीजन हॉमोन बनते हुए दिखाई देते हैं मैम दिस बोथ वास्क्यूलर बंडल जयलम एंड फ्लोएम आर असेंशियल फॉर एन इंडिविजुअल प्लांट येस इट इज़ वेरी असेंशियल फॉर एनजियोस्पॉम्स जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें दोनों कंडक्टिंग टिश्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ओके okay? जो लोअर प्लांट्स होते हैं वो बिना कंडक्टिंग टिश्यू के भी अपना काम चला लेते हैं लेकिन हाथ प्लांट्स के लिए कंडक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो ये था अपना ऑक्सीजन हार्मोन, खत्म इतना ही याद करना है आप पूरा थ्योरी पढ़ोगे तो वो भी आपके लिए अच्छा है कैलस मतलब क्या होता है कैलस मतलब जब आप टि... ट्यूब के अंदर समझो आपने प्लांट का स्टेम लिया कैम्बियम वाला पार्ट लिया या कोई भी आपने फ्रूट का छोटा सा पार्ट लिया गाजर जो गाजर होता है ना गाजर के बीच में वो जो येल्लो येल्लो वाला पार्ट होता है जब आप गाजर खाते हो तो जब गाजर संभाला है तो वो कड़वा कड़वा लगने लगता है बीच का येल्लो वाला पार्ट तो वो येल्लो वाले पार्ट को थोड़ा सा थोड़ा सा कट करके हम ट्यूब में ग्रो करते हैं कल्चर बोलते हैं उसको प्लांट टिश्यू कल्चर और उस ट्यूब में वो गाजर का टुकड़ा डालने के बाद वो गाजर का टुकड़ा डालने के बाद इसके आजू बाजू में आपको कॉटन के जैसे ग्रोथ दिखाई देती है ऐसे एकदम आड़ा तेड़ा कुछ तो ऐसा लगता है फंगस जैसा ग्रो हो रहा है बट उसको हम कैलस बोलते हैं उसको हम बोलते हैं कैलस सो so, कैलस इज अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स यानी इनिशियल स्टेज में जब आप प्लांट टिश्यू कल्चर में प्लांट ग्रो करते हो तो पहले कैलस ग्रो होता है और फिर इस कैलस में मतलब ये जो मीडियम है यहाँ पे आपका जो अगार है इस अगार में हम बहुत सारे हॉर्मोन्स डालते हैं और फिर उन हॉर्मोन्स की वजह से रूट और शूट का टिप ग्रो होता है ठीक है ओके अभी आता है नेक्स्ट हॉर्मोन गिबरलिन अभी नेक्स्ट हॉर्मोन क्या आता है अपना गिबरलिन हाँ गिबरलिन में गिबरलिन किसने डिस्कवर बाबा चैट सेक्शन में बंद कर रही हूँ रुक जाओ पहले मुझे टॉपिक खत्म करने दो फिर आप अपने बाकी के डाउट्स पूछना गिबरलिन हार्मोन में क्या आता है गिबरलिन किसने डिस्कवर किया था सबसे पहले इसको कुरोसावा ने डिस्कवर किया था तीनों के तीनों जापानी साइंटिस्ट है कुरोसावा ने जब इसको डिस्कवर किया था तो प्लांट में कौन सी डिजीज हुई थी बैकेंड डिजीज हुई थी ये सब लिख के लो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने टेबल में नहीं डाली है क्योंकि फिर लेक्चर लेने का क्या फायदा अगर सब कुछ टेबल में लिख के दे देंगे तो है ना सो so, कुरोसोवा ने जब गिबरलिन हॉर्मोन डिटेक्ट किया था तो तभी प्लांट में बैकेंड डिजीज हुई थी बैकेंड डिजीज की वजह से हमको क्या देखने को मिला था कि प्लांट की हाइट ये अपना हेल्दी प्लांट है नॉर्मल प्लांट और यह बैकेंड डिजीज वाला प्लांट है तो कुरोसावा ने क्या देखा कि जब प्लांट के अंदर ये फंगस का इन्फेक्शन हुआ है गिबरेला फ्यूजी फंगस का इन्फेक्शन हुआ है तो उसकी वजह से प्लांट की हाइट एकदम से बढ़ गई प्लांट येलो कलर के हो गए डल हो गए लेकिन उनकी हाइट एकदम से बढ़ गई ये कुरोसावा ने देखा था सबसे पहली बार और फिर 12 साल बाद दो और साइंटिस्ट आए याबुटाइन सुमुकी इन्होंने इस हार्मोन को आइसोलेट किया देखो हार्मोन का पता लगाना और उसको एक्चुअली में आइसोलेट करके निकालना दोनों में फर्क होता है ठीक है तो सबसे पहले कुरोसावा ने देखा था 1928 में 1926 में और फिर 1938 में 1938 में यबूटा और सुमिकी ने उसका क्रिस्टलाइन फॉर्म आइसोलेट किया था फ्रॉम गिबरेला फ्यूजिकोराई विच इज़ अ फंगस ये बनाने के लिए मेवलोनिक एसिड कंपलसरी है जो प्लांट में खुद से फॉर्म होती है और नेचुरल फॉर्म कौन सा है एसिड का जी ए थ्री ये सबसे कॉमन ग्रिब्रलिन हार्मोन है सबसे कॉमन ओके और इसको लैब में भी हम बनाते हैं लैब में बनाने के लिए हमको कुछ केमिकल कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं जैसे टर्पीन एंड गिबेन रिंग्स ये आपके केमिकल फॉर्म्स हैं ये कैसे ट्रांसपोर्ट होता है नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट दिखाता है मतलब ये ऊपर नीचे साइड साइड में किधर पे भी ट्रांसपोर्टेशन दिखाएगा ऐसा नहीं है कि ऊपर बनाए तो नीचे ही जाएगा किसी भी डायरेक्शन में जाता है इट शोज नो पोलैरिटी इट शोज नॉन पोलर ट्रांसपोर्टेशन ओके इसका फंक्शन क्या है गिबरलिन हार्मोन का प्लांट की हाइट बढ़ाता है सो इट प्रमोट्स स्टेम इलोंगेशन इट प्रमोट्स पार्थेनोकार्पी पार्थेनोकार्पी मतलब क्या होता है बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का डेवलपमेंट मतलब मेल फीमेल हो ना हो फ्रूट आपको मिल जाएगा एंड इट ऑल्सो प्रमोट्स बोल्टिंग बोल्टिंग का डेफिनेशन प्लीज अंडरलाइन करो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आप जो मुझसे बोलते हो ना मैम टॉपिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ बता रही हूँ तो अंडरलाइन करो पहले अपना बड़बड़ 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 करने में बिजी रहते हो फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखते नहीं हो यस एवरीबडी ओके So bolting definition क्या होता है? ट हैबिट मतलब क्या होता है आपने बीट रूट देखा होगा या आपने गोभी देखा होगा मंचूरियन वाला जो गोभी आता है ना जिसको हम पत्ता गोभी बोलते हैं कैबेज या आपने रोज का फ्लावर देखा होगा सो so, ये ऐसे राउंड राउंड पैटर्न्स में जो हमको ये बीट रूट और कैबेज देखने को मिलते हैं तो ये क्यों ऐसा क्योंकि स्टेम के बीच का ये जो इंटर नोड का स्पेस है ये जो इंटर नोड का स्पेस है ये इंटर नोड का स्पेस हम बढ़ा देते हैं इंटर नोड का स्पेस ऐसे बड़ा कर देते हैं तो जितना ज्यादा इंटर नोड का स्पेस होगा उतना ज्यादा पत्ता लंबा होगा उतना ज्यादा आपका प्लांट लंबा होगा गन्ने का प्लांट आपने देखा होगा गन्ने के प्लांट में ऐसे छोटे छोटे नोड्स रहते हैं अगर इसको आपको लंबा करना है तो आपको नोड्स के बीच का गैप बढ़ाना पड़ेगा ये एक नोड के बीच का गैप इतना बड़ा करना पड़ेगा सो so, इस is... गैप बढ़ाने वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं बोल्टिंग इस गैप बढ़ाने वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बोल्टिंग और आरपी मतलब क्या होता है बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फ्रूट डेवलपमेंट करना बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फ्रूट डेवलपमेंट करना एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन ब्रेकिंग ब्रेकिंगसी डॉमेंसी मतलब क्या होता है अनफेवरेबल कंडीशन में जब आपके सीड के बाहर एक टफ लेयर बन जाती है तो ये टफ लेयर क्या करती है सीड को जर्मिनेट नहीं होने देती है मतलब ये प्लांट को ग्रो ही नहीं होने देती है तो गिबरलिन हार्मोन क्या करता है ये डॉर्मेंसी ब्रेक करता है यानी कि ये बाहर की लेयर को ब्रेक करता है ताकि सीड जर्मिनेट हो सके और सीड में से शूट निकल सके और रूट निकल सके ओके okay? और लास्ट ये कौन से पार्ट्स में बनता है इट इन फिर अपना नेक्स्ट हार्मोन आता है साइटोकाइनिन हार्मोन नेक्स्ट हार्मोन क्या आता नथिंग बट ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन साइटोकाइनिन साइटो मतलब cell, और मतलब मतलब क्या होता है डिवीजन सो so, ये हार्मोन सेल डिवीजन करता है ये हार्मोन सबसे पहले लिथम ने टर्म किया था ये नाम सबसे पहले लीथम ने टर्म किया था फिर टोबैको प्लांट में स्कूग एंड मिलर करके जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डिस्कवर किया लेकिन वापस से इस हार्मोन का नाम जियाटिन किसने रखा लीथम ने रखा इसीलिए अगर आपको सीई एग्जाम में क्वेश्चन आया हु टर्म्ड द हार्मोन साइटोकाइनिन तो आप लिथम सिलेक्ट करोगे टेक्स्ट बुक में स्कू गैन मिलर का भी नाम दिया गया है बट इन्होंने सिर्फ टेम्प्ररी काम किया था एक्चुअली साइटोकाइनिन किसने डिस्कवर किया लिथम ने डिस्कवर किया ओके okay. इसमें कोई प्रीकर्सर की जरूरत नहीं होती है यह हार्मोन नेचुरली बनता है सेल डिवीजन करता है इसका सिंथेटिक फॉर्म कौन सा है सिक्स फर्फ्यूरिल प्यूरिन मतलब बेसिकली ये अमीनो एसिड से बने हुए हैं एंड इट्स का मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट हर डायरेक्शन में ये हार्मोन स्प्रेड होता है ये हार्मोन बनता किधर है फ्रूट फ्लावर्स में फ्रूट्स के फ्लावर्स में बनता है ओके okay? रूट के टिप्स में बनता है और सीड्स में बनता है ये हार्मोन ये लोकेशन आपको पता होना चाहिए इसका फंक्शन क्या है भाई सेल डिवीजन कर रहा है तो सेल डिवीजन करेगा हाँ सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑक्जिन हार्मोन क्या करता है एपिकल डोमिनेंस करता है साइटोकाइनिन क्या करेगा एपिकल डोमिनेंस को कंट्रोल करेगा और लेटरल बर्ड्स ग्रो करने का हेल्प करेगा मतलब प्लांट में से समझो इधर लीफ है तो ये एपिकल बर्ड नहीं ग्रो होने देगा ये लेट्रल बर्ड ग्रो करेगा ताकि प्लांट की ऊपर ऊपर ग्रोथ होती रहे क्योंकि साइटोकाइन इज दी ग्रोथ हार्मोन, वो प्लांट को लंबा करता है और ऑक्सीजन क्या करता है प्लांट को छोटा रखता है यस yes, एवरीबडी क्योंकि इधर पे अभी इमेजिन करो बचपन में ही अगर आपको एक छोटे से बॉक्स में बंद करके रख दिया जाए खाना पीना ऑक्सीजन सब दिया जाए लेकिन अगर छोटे बॉक्स में बंद कर दिया तो आपकी हाइट बढ़ेगी नहीं क्योंकि आपको हाथ फैलाने के लिए जगह ही नहीं मिल रही है वैसे अगर मैं प्लांट के ऊपर इधर टोपी लगा दू इधर कैप लगा दू तो प्लांट को ऊपर बढ़ने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी क्योंकि ऑक्सीजन हॉर्मोन ने ऊपर बर्ड बना दिया है एपिकल बर्ड बना दिया है तो साइटोकाइनिन क्या करता है ये एपिकल बर्ड को टुपुक करके साइड में कर देता है और लेटरल बर्ड ग्रो करता है तो एपिकल बर्ड नहीं है तो प्लांट का ग्रोथ ऊपर ऊपर बनते रहेगा यस एवरीबडी चलो आगे देखते हैं ओके आगे देखते हैं इथिलीन इथिलीन हार्मोन कौन सा है अपना ये ग्रोथ प्रमोट भी करता है ग्रोथ इनहिबिट भी करता है देखो सबसे पहले सबसे पहले डेनी नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया मतलब सब अलग 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 बता रहे थे कि ये फ्रूट्स में बनता है ये प्लांट को जल्दी से सैनोसेंस करवा देता है एप्सेशन करने में हेल्प करता है इट इज़ अ गैशियस हार्मोन ये तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन किया तो अगर हम ईयर के हिसाब से जाए अगर हम ईयर के हिसाब से जाए तो डेनी ने नाइनटीन में बताया कि ये फ्रूट जल्दी पकाता है फिर उसके बाद क्रॉकर ने 1930 में बताया कि ये प्लांट में बनता है और गेन ने 1934 में बताया कि ये नेचुरली प्लांट में बनता है तीनों ने सेम चीज़ बताई सो तो डेनी क्रॉकर एंड गेन डी सीजी डी सी जी ये तीनों साइंटिस्ट ने हमको बताया कि इथिलीन हार्मोन कैसे बनता है ईयर के हिसाब से जाए तो पहले डेनी आएगा फिर क्रॉकर आएगा फिर गेन आएंगे ठीक है ये हार्मोन बनाने के लिए हमको कौन से केमिकल कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है इथेफोन ओके इथेफोन क्या है देखो आपको इधर बताया गया वॉट इज एन इथेफोन इथेफोन इज अ टू क्लोरो इथाइल फॉस्फोरिक एसिड विच रिलीज इथिलन आफ्टर डिजोल्विंग इन वाटर तो ये एक टाइप का केमिकल कंपोनेंट है जो गैस रिलीज करता है जब हम इसको वॉटर में डिजोल्व करते हैं ठीक है लास्ट में मुझे याद दिलाना मैं आपको ये एजेंट ऑरेंज के बारे में भी एक मिनट में बता दूंगी ठीक है ओके okay. इथे सो इथेन इज बेसिकली अ गैशियस हार्मोन नेचुरल फॉर्म इसका गैशियस होता है इसका कोई केमिकल फॉर्म uh, नहीं है ये नॉन पोलर ट्रांसपोर्टेशन दिखाता है और इथिलीन का सबसे मेन काम है ये फ्रूट पकाता है इथिलीन हार्मोन सबसे मेन काम क्या करता है ये फ्रूट पकाने का काम करता है येस एवरीबडी सो इट हेल्प्स इन फ्रूट राइपनिंग ये लेटरल बर्ड्स को इनहिबिट करेगा मतलब जो साइटोकाइनिन कर रहा था उसका अपोजिट काम करता है ये तो ये क्या करता है ये ऑक्सिन जैसा काम करेगा यानी एपिकल डोमिनेंस करेगा और ये एपिनास्टी करता है एपिनास्टी मतलब क्या होता है इथिलिन हार्मोन प्लांट को जल्दी जल्दी पका देता है जिसके वजह से प्लांट के लीव्स ड्रूप होने लग जाते हैं देखो एपीनास्टी मंडे ड्रुपिंग ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स यानी प्लांट जल्दी से मेच्योर जाएगा तो उसके लीव्स जल्दी जल्दी मुरझाने लगेंगे क्यों मुरझाने लगेंगे क्योंकि उसमें क्लोरोफिलेज एंजाइम का एक्टिविटी स्टार्ट हो गया है क्लोरोफिलेज एंजाइम क्या करता है यह क्लोरोफिल को मार देता है जिसके वजह से प्लांट का ग्रीन कलर खत्म हो जाता है और इसकी वजह से लीव हमको येलो रेड ऑरेंज ऐसे कलर के दिखने मिलते हैं जैसे जब आपका लींबू कच्चा रहता है तो ग्रीन कलर का रहता है लेकिन इथिलीन हार्मोन बनने के बाद उसमें क्लोरोफिलेज एंजाइम बनता है एंजाइम क्लोरोफिल को डिग्रेड कर देता है जिसकी वजह से येलो कलर का हो जाता है क्योंकि ग्रीन कलर तो चला गया क्लोरोफिल चला गया तो इथिलीन हार्मोन के वजह से एंजाइम बनता है क्लोरोफिलेज एंजाइम क्लोरोफिल को डिग्रेड करता है जिसके वजह से ग्रीन कलर खत्म हो जाता है कच्चा मौसम भी ग्रीन कलर का रहता है पक्का मौसम भी येलो कलर का रहता है क्योंकि फ्रूट पकाने के लिए इथिली हार्मोन बनता है और इथिलीन हार्मोन क्लोरोफिलेज एंजाइम बनाता है और क्लोरोफिलेज एंजाइम क्लोरोफिल डिग्रेड करता है क्लोरोफिल डिग्रेड होने के बाद ग्रीन कलर बचेगा ही नहीं क्योंकि क्लोरोफिल आर ग्रीन कलर पिगमेंट्स ग्यारहवीं में पढ़ा है हमने क्लोरोफिलेज एंजाइम क्लोरोफिल को खत्म करेगा जिसके वजह से प्लांट का ग्रीन कलर खत्म हो जाएगा और प्लांट कलरफुल फ्लावर्स अपने फ्रूट्स कलरफुल हो जाएंगे ओके तो संतरा कच्चा रहता है तो ग्रीन कलर का दिखता है पकने के बाद ऑरेंज कलर का हो जाता है वाई बिकॉज इथिलीन क्या करता है क्लोरोफिलेज एंजाइम बनाता है जिसके वजह से क्लोरोफिल खत्म हो जाता है एपीनास्टी मतलब क्या होते हैं जब आपके फ्रूट्स पक जाते हैं तो वो झाड़ से अपने आप नीचे गिर जाते हैं उसको बोलते हैं एपिनास्टी या एप्सिशन बोल सकते हो आप यानी कि ऐसे मुरझा जाना ड्रूप हो जाना ऐसे ऐसे हो जाना सो एपिनास्टी यानी पक गया ना हो गया ना काम अभी झाड़ पे लटक के कितने दिन रहोगे जाओ नीचे गिरो, ऐसा एपिनास्टी यानी ड्रूपिंग, यानी फोल्ड हो जाना मुरझा जाना ठीक है ओके आगे किधर किधर फॉर्म होता है ये हार्मोन okay? सबसे पहले कांस ने डिस्कवर किया कांस एंड एडिकॉर्ड ने फिर उसके बाद वेयरिंग ने डॉर्मिन केमिकल डिस्कवर किया दोनों ने मिलकर इस हॉर्मोन का नाम एब्सिसिक एसिड रखा ये हॉर्मोन बनाने के लिए मेवलोनिक एसिड की जरूरत पड़ती है सो so, प्रीकर्सर देखो गिबरलिन और एब्सिसिक एसिड दोनों का प्रीकर्सर मेवलोनिक एसिड है डॉर्मिन इसका नेचुरल फॉर्म है और केमिकल फॉर्म मतलब इसको डॉर्मिन को ही आगे जाके नाम दिया एप्सेसिक एसिड और इसका केमिकल फॉर्म क्या है फिफ्टीन कार्बन सिक्सक्ट टोर्पिन इट शोज नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट कैसा ट्रांसपोर्ट दिखाता है ये नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट दिखाता है किसी भी डायरेक्शन में ये ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट के हर डायरेक्शन में और इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है इट इज अ स्ट्रेस हार्मोन देखो जब गर्मी आती है जब गर्मी आती है तो ट्रीज क्या करते हैं फटा फटाफट अपने लीव्स नीचे गिरा देते हैं क्यों ऐसा क्योंकि गर्मी में अगर लीव्स लगे रहेंगे अगर पत्ते लगे रहेंगे तो गर्मी की वजह से पत्तों में से पूरा पानी उड़ जाएगा ट्रांसपीरेशन हो जाएगा और फिर वो झाड़ सूख के मर जाएगा इसीलिए एप्सिसिक एसिड क्या करता है वो पहले ही अपना काम कर लेता है वो पहले ही लीव्स को नीचे गिरा देता है ताकि जितना भी बचा हुआ पानी है वो स्टेम के अंदर रह जाए और वो प्लांट गर्मी के चार महीने सरवाइव करे क्योंकि आपने देखा होगा कि पतझड़ जाने के बाद यानी स्प्रिंग सीजन के बाद जब सारे लीव्स नीचे गिर जाते हैं तो बारिश के टाइम पे वो सूखा हुआ प्लांट वापिस जिंदा हो जाता है क्यों ऐसा क्योंकि चार महीने के लिए उसके अंदर एप्सिक एसिड बनता है एप्सिक एसिड क्या करता है एप्सिक एसिड प्लांट को स्ट्रेस कंडीशन में सरवाइव करने का ट्रिक बताता है कि देख अभी के लिए तू लालच मत कर अभी अपने पत्ते गिरा दे नीचे पत्ते गिरा दे तेरा पानी तेरे पास ही रहेगा चार महीने तू सरवाइव करेगा जब बारिश चालू हो जाएगी तो फिर से पत्ते उगा लेना तो ये एप्सेसिक एसिड स्ट्रेस हॉर्मोन है मतलब ये स्ट्रेस में अपने को सर्वाइव करने के लिए हेल्प करता है ये आगे प्लांट को ग्रो नहीं होने देगा प्लांट की ग्रोथ को स्टैचू कर देता है क्योंकि अरे न्यूट्रियट्स ही नहीं है फालतू तुमको क्यों मेहनत करने का है और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये एंटी ट्रांसपेरेंट करता है एंटी ट्रांसपेरेंट यानी कि ये वाटर इवेपोरेट नहीं होने देता क्योंकि लीव्स नीचे गिर गए लीव्स नीचे गिर गए तो पानी की इधर से ट्रांसपेषन होगा ओके

खत्म आप ये टेबल का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो ओके यहाँ पे भी सेम चीज़ दी गई है बस थोड़ा शॉर्ट में दिया गया है सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आल्सो थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है थ्योरी एक बार रीड कर लेना एग्जाम के पहले टेबल पढ़ के जाना बस मैं गारंटी दे रही हूँ आपके दो से तीन मार्क्स कन्फर्म हो जाएंगे इस चैप्टर के ओके एवरीबडी चलो अब आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं येस आज दो बजे आज दो बजे इनहेरिटेंस वाले का नेक्स्ट वीडियो आने वाला है अपने ज्ञान लैब एन चैनल पे ओके मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस जो चैप्टर हमने चालू किया है है आज बजे नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल पे आपको मैथ्स का भी क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन मिलने वाला है यस एवरीबडी ओके हाँ एजेंट ऑरेंज एजेंट ऑरेंज क्या है ये ऐसा एक टाइप का केमिकल कॉम्बिनेशन है मतलब ऑक्सिन हार्मोन टू फोर डी एंड टू फोर फाइव टी ये दो अलग अलग ऑक्जीजन हार्मोन है केमिकल कॉम्बिनेशन है लेकिन वो बोलते हैं ना कि अगर आपने ड्रग्स और दारू साथ में लिया तो आप मर जाओगे वैसे ही कुछ कुछ हार्मोन्स को जब हम कॉम्बिनेशन में लेते हैं तो उस कॉम्बिनेशन के वजह से सीधा सीधा वो कॉम्बिनेशन क्या करता है प्लांट्स को जड़ से खत्म कर देता है सो वियतनाम वियतनाम एक छोटा सा इंडोनेशियन कंट्री था वहां पे ये बायो वॉर के लिए बायो वेपन के लिए यूज किया गया था मतलब ऊपर से आसमान से एरोप्लेन से ये एजेंट ऑरेंज छिड़का गया पूरे के पूरे वियतनाम के जंगल पूरे के पूरे वियतनाम के फॉरेस्ट डिफोलियट हो गए डिफोलियट हो गए यानी कि पूरा का पूरा झाड़ बर्बाद हो गया पूरा झाड़ बर्बाद हो गया सो एजेंट ऑरेंज एक बहुत ही खतरनाक केमिकल कॉम्बिनेशन है जो यूज करना लीगल नहीं है और ये कौन से दो केमिकल कॉम्बिनेशन से बनता है टू फोर डी हॉर्मोन एंड टू फोर फाइव टी ये नाम याद रखो ये इसका एग्जाम्पल आता है सीई एग्जाम में श्रद्धा वर्नलाइजेशन मतलब क्या वर्नलाइजेशन मतलब सीड की डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए हम उसको जब एकदम 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 कोल्ड करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन माइनस वन नाइन्टी सिक्स डिग्री सेल्सियस में किसी भी सीड को जब हम कोल्ड करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर का सीड कोट ब्रेक हो जाता है तो उसको बोलते हैं वर्नलाइजेशन यानी एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में लेके जाके सीड की डोरमेंसी को ब्रेक करना बट ये वर्नलाइजेशन करने के लिए बहुत पैसा जाता है बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल कंडीशन लगती है सो so, इससे अच्छा गिवरलिन हार्मोन यूज करो अपने आप आपका सीड सी ब्रेक हो जाएगा yes, everybody, और किसी का क्या क्वेश्चन है मतलब ये देखो ना इधर पे आपको सीधा सीधा मैंने बोला है आपको टेक्स्ट बुक का बॉक्सेस पढ़ना होता है डी ग्रीनिंग मतलब क्लोरोफिल एंजाइम को खत्म कर देना दिस इज डी ग्रीनिंग इफेक्ट इधर आपको सीधा आंसर दिया गया है इथिलिन हार्मोन के वजह से क्लोरोफिलेज एंजाइम बनता है क्लोरोफिलेज एंजाइम क्लोरोफिल खत्म कर देता है जिसकी वजह से ग्रीन पिगमेंट खत्म हो जाते हैं जिसके वजह से आपका प्लांट ग्रीन कलर का नहीं दिखाई देता फ्रूट्स का छिलका ग्रीन कलर का येलो हो जाता है उसको बोलते हैं डी ग्रीनिंग ओके है इट इज इज बेसिकली हायर प्लांट्स जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लावर्स और फ्लावर्स को ग्रो करने के लिए हमको कुछ स्पेसिफिक लाइट कंडीशंस चाहिए होता है जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ना बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर रिसर्च की कि कौन से कौन से पैरामीटर्स से प्लांट के कौन से कौन से फैक्टर्स पे असर पड़ेगा जैसे कि लाइट टेम्परेचर वाटर फूड एट्सेट्रा एट्सेट्रा तो बहुत सारे साइंटिस्ट का जो ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि दो कंडीशंस के वजह से प्लांट की फ्लावरिंग पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है एक तो लाइट का इन्फ्लुएंस और एक टेम्परेचर कंडीशन ओके okay, तो देखो लाइट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर है क्योंकि इसी के वजह से सीड जर्मिनेट होता है इसी वजह से प्लांट ग्रोथ होती है फोटोसिंथेसिस होता है एटसेट्रा एटसेट्रा लाइट की क्वालिटी उसकी इंटेंसिटी और उसका ड्यूरेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है मतलब कौन से क्वालिटी की लाइट आप दे रहे हो लो लाइट दे रहे हो विजिबल दे रहे हो अल्ट्रा वोलेट लाइट दे रहे हो क्वालिटी मैटर करती है उसकी इंटेंसिटी मैटर करती है और कितने टाइम के लिए आप प्लांट को लाइट के अंडर एक्सपोज कर रहे हो वो मैटर करता है तो बेसिकली फोटो पीरियोडिज्म का डेफिनेशन आपको बोर्ड में पूछा जा सकता है वॉट इज द डेफिनेशन फोटोपीरियोडिज्म बेसिकली मीन्स देखो इधर पे आपको डेफिनेशन दिया गया है हाँ वॉट इज नोन एज या फिर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एंड दिस इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट इज नोन एज फोटोपीरियोडिज्म आपको यह नोट्स में भी मिल जाएगा इसका डेफिनेशन ठीक है ये यूज किसने किया था गार्नर एंड एलार्ड ने ये प्लांट के अलग अलग बिहेवियर की स्टडी कर रहे थे कि प्लांट में कब फ्लावर आता है स्पेशली सोयाबीन एंड मैरीलैंड मेमोथ वेराइटी ऑफ टोबैको इन्होंने क्या देखा कि सोयाबीन प्लांट जो है ये लेट समर के टाइम पे फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है और टोबैको प्लांट विंटर के टाइम पे फ्लावर प्रोड्यूस करता है इन रिस्पेक्टिव ऑफ द जर्मिनेशन एंड ग्रोइंग सीजन तो इन्होंने ना अलग अलग पैरामीटर्स का कंडीशन स्टडी किया इन्होंने टेम्परेचर कंडीशन स्टडी किया न्यूट्रिशन सॉइल मॉइस्चर एक्सेट्रा लेकिन इसमें किसी भी चीज में कोई भी फर्क नहीं इनको दिखाई दिया मतलब मॉइस्चर कम दिया सॉइल ज्यादा दिया न्यूट्रिएंट कम दिया ज्यादा दिया उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा फ्लावरिंग पे फ्लावर की ग्रोथ में कुछ फर्क नहीं पड़ा लेकिन जब उन्होंने लाइट की कंडीशन चेंज किए यानी कम टाइम के लिए लाइट दिया ज्यादा टाइम के लिए लाइट दिया तो फ्लावर के कंडीशन पे फर्क पड़ा तो इसको उन्होंने डिफाइन किया फोटो पीरियोडिज्म और इस फोटो पीरियोडिज्म के बेसिस पे तीन टाइप के प्लांट्स कैटेगराइज किए गए शॉर्ट डे प्लांट्स लॉन्ग डे प्लांट्स न्यूट्रल डे प्लांट्स शॉर्ट डे प्लांट्स क्या होते हैं जिनको कम टाइम के लिए लाइट चाहिए होती है उसके पहले देखो आपको ये जो डू यू नो बॉक्स दिया गया है लेट्स सी व्हाट इज गिवन ओवर हियर डू यू नो बॉक्सेस को प्लीज एकदम अच्छे से आपको लर्न करना है क्योंकि इसमें से आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है थीके? सबसे पहली बात तो लाइट कौन से ऑर्गन के ऊपर पड़ता है प्लांट के कौन से पार्ट पे लाइट पड़ती है लीफ लीफ हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो लाइट रिसीव करता है और ये हमको किसने बताया था नॉफ नाम के साइंटिस्ट ने 1934 में तो जिन प्लांट्स के पास लीफ <coughs> ही नहीं होती है उन प्लांट्स में आपको फ्लावर देखने को ही नहीं मिलेगा ठीक है क्योंकि उनको प्रॉपर तरीके से लाइट ही नहीं मिल रही है क्या होता है? ये बेसिकली एक ऐसा केमिकल है जब लाइट आपके लीफ पे पड़ती है तो प्लांट में एक केमिकल फॉर्म होता है, है फ्लावर्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट होते हैं फोटोकेमिकल रिसेप्टर इन दीवस आर बिलो प्रोटीन बेसिकली हमारे लीफ में ऐसे कौन से सेल्स या कौन से प्रोटीन्स हैं जो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं सो दे आर बिलो प्रोटीन या इसको आप पिगमेंट बोल सकते हो जो हमारे प्लांट के प्लास्टिड्स में प्रेजेंट होते हैं प्लास्टिड्स यानी कि क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट वगैरह सो so, इनको हम बोलते हैं फाइटोक्रोम्स यानी प्लांट हार्मोन्स या प्लांट कलरिंग पिगमेंट्स ठीक है तो ब्लू वेवलेंथ ऑफ लाइट इन्फ्लुएंसेस फ्लावरिंग आपको पता होगा कि विबग्योर रेंज होता है वायलेट इंडिगो ब्लू येलो विबग्योर ग्रीन येलो ऑरेंज रेड ठीक है तो इसमें से ये जो ब्लू लाइट होती है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावरिंग रेड लाइट लीव के लिए इंपॉर्टेंट होता है ब्लू लाइट फ्लावर के लिए इंपॉर्टेंट होता है एटसेट्रा एटसेट्रा शॉर्ट डे प्लांट्स क्या होते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स यानी कि जिनको कम लाइट चाहिए ठीक है दे दीज प्लांट्स यूजली फ्लावर ड्यूरिंग विंटर क्योंकि विंटर सीजन में सनलाइट कम मिलती है सो शॉर्ट डे प्लांट्स आर फ्लावरिंग ड्यूरिंग विंटर एंड लेट समर जब दिन की लेंथ छोटी होती है यानी कि रात लंबी होती है तो शॉर्ट डे प्लांट्स को हम लॉन्ग नाइट प्लांट्स बोलते हैं हाँ अगर समझो जब ये अंधेरे में फ्लावर होते हैं ठीक है दे रिक्वायर लॉन्गर अन इंटरप्टेड पीरियड या नाइट फॉर फ्लावरिंग अगर इनके अंधेरे वाले पीरियड में इनको जरा सा भी इनको जरा सा भी एक सिंगल फ्लैश भी लाइट का दिख गया तो ये फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करेंगे मतलब ये बहुत ज्यादा लाइट सेंसिटिव होते हैं और ये कौन से एग्जाम्पल्स हैं आपको इसके एग्जाम्पल्स कंपल्सरी लर्न करना है ये नीट क्वेश्चन आ सकता है ठीक है डहलिया एस्टर टोबैको क्रिस सोयाबीन कॉकलेब्यूर कौकल, एक्सेट्रा सो so, ये एग्जाम्पल्स आपको लर्न करना है लॉन्ग डे प्लांट्स क्या होते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स को बेसिकली ज्यादा लाइट चाहिए होती है ठीक है ये ज्यादा लाइट आ, के कंडीशन में ही फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे तो समझो इनका जो नाइट पीरियड है अगर उस नाइट पीरियड में भी थोड़ा बहुत लाइट आपने फ्लैश कर दिया तो इनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इनको तो जितना लाइट मिलेगा उतना अच्छा है तो इसके एग्जाम्पल क्या है पी रेडिश यानी कि गाजर सॉरी रेडिश कैरेट मूली अपना शुगर बीट कैबेज वीट पॉपी पॉपी ओके पॉपी इज अ ड्रग प्लांट आपने चैप्टर नंबर में पढ़ा है है पॉपी ठीक सो आर लॉन्ग डे डे प्लांट्स प्लांट्स न्यूट्रल क्या होते हैं इनको लाइट मिले ज्यादा या ना मिले कितने टाइम के लिए मिल रही है उससे भी फर्क नहीं पड़ता बस मिले थोड़ा सा मिले ज्यादा मिल रही है या कम मिल रही है उससे फर्क नहीं पड़ता बस थोड़ी सी भी लाइट मिल जाएगी तो इट इज सफिशियंट और ऐसे प्लांट्स आपको साल भर देखने को मिलते हैं जैसे कुकुम्बर टो कॉटन सनफ्लावर तो इसके एग्जाम्पल लर्न करो ठीक है मतलब अगर जिन प्लांट्स को ज्यादा टाइम अंधेरे में रहना है उनको समझो आपने एक रूम में बहुत सारे शॉर्ट डे प्लांट्स रखे हैं टोबैको या एस्टर या अगर मैंने एक रूम में इन को रखा है मैंने अचानक से रात में अंधेरे में इन प्लांट्स को डिस्टर्ब कर दिया यानी एक हल्का सा टॉर्च लाइट मार दिया तो ये इन प्लांट्स में फ्लावर प्रोड्यूस नहीं होगा ठीक है लेकिन अगर मैंने वो टॉर्च मारने के बाद तुरंत और एक हाई वेवलेंथ का लाइट इनको दे दिया तो फ्लावर प्रोड्यूस होगा यानी लाइट के इंटेंसिटी और उसका वेवलेंथ मैटर करता है ठीक है सो इस ऑब्जर्वेशन से हमको क्या पता चला कि प्लांट में फ्लावर प्रोड्यूस करने के लिए जो पिगमेंट चाहिए वो पिगमेंट कौन से वेवलेंथ पे प्रोड्यूस होते हैं ठीक है थीके? तो दो वेवलेंथ आपको याद रखना है एक होता है आपका रेड लाइट एक होता है फार रेड लाइट एफ आर मतलब फार और ये होता है आपका रेड पी मतलब फाइटोक्रोम्स ठीक है पी फॉर फाइटोक्रोम्स आर फॉर रेड एंड एफ आर मतलब फार रेड तो रेड का वेवलेंथ कितना है 660 और फार रेड का कितना है सेवन इंड्यूसेस फ्लावरिंग जब ये लाइट प्लांट के पत्ते पे पड़ती है तो हमारे पत्ते में बिलो प्रोटीन यानी कि एक प्रोटीन पिगमेंट रिलीज होता है जिसको बोलते हैं फाइटोक्रोम जिससे फ्लावर बनना स्टार्ट होता है दो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट होती है एक होती है रेड लाइट एक होती है फार रेड लाइट ये दोनों लाइट आपस में इंटर कन्वर्टेबल होती है ठीक है और ये हमारे सेल मेम्रेन में प्रेजेंट होती है ग्रीन सेल्स के 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 सेल सेल में में दिन के समय, दिन समय समय आपका फार रेड लाइट यानी कि थर्टी नैनोमीटर जो है ये प्लांट्स में जमा हो जाता है जिसकी वजह से शॉर्ट डे प्लांट्स में आपको फ्लावरिंग देखने को नहीं मिलती है दिन के समय ठीक है बट यही लाइट रात के समय कन्वर्ट हो जाती है रेड में यानी कि 660 सिक्सटी नैनोमीटर्स में और इसी लाइट के अंदर शॉर्ट डे प्लांट्स फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं बट लॉन्ग डे प्लांट्स नहीं प्रोड्यूस करते है. तो आपको याद क्या रखना है शॉर्ट डे प्लांट्स कब फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं रेड लाइट में और लॉन्ग डे प्लांट्स कब फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं फार रेड लाइट में ठीक है ये प्लांट शॉर्ट डे यानी कि नाइट में फ्लावर प्रोड्यूस होगा ये प्लांट लॉन्ग डे है यानी कि डे में फ्लावर प्रोड्यूस होगा तो ये लाइट डे में मिलती है ये लाइट राइट right में नाइट में कन्वर्ट होती है ठीक है कंट्रोल ऑफ मॉर्फोजेनेसिस बाय लाइट एंड फाइटोक्रोम इज कॉल्ड फोटोमॉर्फोजेनेसिस समझो आपको किसी फ्लावर के ऊपर स्टडी करना है और आप चाहते हो कि अभी उस प्लांट में फ्लावर ना आए तो आप उसका लाइट का कंडीशन चेंज कर दो तो उस कंडीशन को बोलेंगे फोटो मोर्फोजेनेसिस यानी फोटो मतलब लाइट मॉर्फो मतलब स्ट्रक्चर जेनेसिस मतलब डेवलपमेंट तो आपने लाइट की मदद से प्लांट के स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट स्टॉप कर दिया इसको बोलते हैं फोटोमोर्फोजेनेसिस इज दिस क्लियर अप टिल यूर परफेक्ट अब नेक्स्ट आता है वर्नलाइजेशन वर्नलाइजेशन को पहले बोला जाता था यारोवाइजेशन बेसिकली वर्नलाइजेशन में हम क्या करते हैं टेम्परेचर के साथ खेलते हैं टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लांट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेसिकली टेम्परेचर तीन अलग अलग कैटेगरीज में आते हैं मिनिमम टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर यानी कि लो टेम्परेचर चिलिंग कंडीशन जिसमें हम प्लांट को अर्ली फ्लावरिंग प्रोड्यूस करने के लिए आ, मजबूर कर देते हैं ठीक है थीके? so it induces early flowering in in plant and this was observed by Clipart in 1980. क्या ऑब्जर्व किया इन्होंने वर्नलाइजेशन को डिफाइन किया एज एक्सेलरेशन ऑफ द एबिलिटी टू फ्लावर बाय चिलिंग ट्रीटमेंट यानी प्लांट का टेम्परेचर एकदम लो कर दो तो प्लांट फटाक से फ्लावर प्रोड्यूस करेगा ये हमको शॉर्ड ने बताया ठीक है द टर्म वर्नलाइजेशन वॉज गिवन बाई टी डी लिसेंट को फॉर द इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर ऑन फ्लावरिंग इन प्लांट्स बेसिकली इसमें क्या किया जाता है आप टेम्परेचर चेंज करके फ्लावर्स को प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हो मेनी प्लांट्स लाइक सीरियल क्रूसीफर यानी अपना कॉलीफ्लावर कौ, वगैरह वगैरह इनको बहुत ज़्यादा कोल्ड कंडीशन चाहिए होता है फ्लावर्स प्रोड्यूस करने के लिए क्योंकि जितना जल्दी फ्लावर मिलेगा उतना जल्दी फ्रूट आएगा उतना जल्दी आपको जो भी है वो प्रोडक्ट मिलेगा ठीक है तो इसमें हम प्लांट को एक एक से लेके छः डिग्री तक कम कर देते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ मंथ और टू मंथ ड्यूरेशन जिसकी वजह से हमको प्लांट में फ्लावर जल्दी देखने को मिलता है और आपका टाइम कम लगता है और प्रोडक्ट जल्दी मिल जाता है वर्नलाइजेशन स्टिम्युलस इज ऑल्सो केमिकल स्टम्युलसमलिन और यही चीज हम आर्टिफिशियल हॉर्मोन से भी कर सकते हैं वर्नलीन से बेसिकली होता क्या है जब आप प्लांट का टेम्परेचर लो करते हो तो प्लांट में एक स्पेशल केमिकल फॉर्म होता है वर्नेलिन जिसके वजह से प्लांट में फ्लावरिंग जल्दी होता है एंड दिस कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू ग्राफ्टिंग और यही फ्लावर हम बाद में ग्राफ्टिंग की मदद से या प्लांट का पार्ट जिसमें वर्नलीन प्रोड्यूस हुआ है कट करके दूसरे प्लांट में अटैच कर सकते हैं दिस वॉज गिवन बाय मेलशेयर इन नाइनटीन ठीक है अब देखो इधर पर क्लिपकार्ट की स्टडी के बारे में बताया गया है ये बेसिकली गेहूं के ऊपर स्टडी कर रहे थे एक विंटर वीट एक स्प्रिंग वीट जो एक ठंडी में ग्रो होता है और एक स्प्रिंग सीजन में यानी जनवरी और मार्च के बीच में तो इन्होंने क्या देखा कि जब अपन विंटर वीट को विंटर में सो करते हैं तो वो समर में फ्लावर प्रोड्यूस करता है और स्प्रिंग वीट को स्प्रिंग में सो करेंगे तो इट प्रोड्यूसेज फ्लावर्स ड्यूरिंग समर हवेवर अगर मैं विंटर की वेराइटी को स्प्रिंग में करूँ तो वो फ्लावर नहीं दिखाएगा मुझे वो अगले साल के समर में दिखाएगा यानी जब विंटर सीजन आएगा तो इन्होंने क्या किया सीड्स ऑफ विंटर वीट आर ट्रीटेड विथ लो टेम्परेचर इन्होंने विंटर वीट को लो टेम्परेचर पे ट्रीट किया और अब वो बन गया स्प्रिंग वीट तो वो समर में ही फ्लावर प्रोड्यूस करने लगा तो बेसिकली टेम्परेचर के साथ खेलते आपको इतना एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा आपको वर्नलाइजेशन का डेफिनेशन आएगा और या तो फिर उसके एडवांटेजेस आ सकते हैं इजेशन so जब आप टेम्परेचर लो करते हो उसको बोलते हैं वर्नलाइजेशन ये देखो ये डेफिनेशन है आपका इधर गया हा एक्सलेशन ऑफ द एबिलिटी टू फ्लावर बाय चिलिंग ट्रीटमेंट इज नोन एज वर्नलाइजेशन और जब आप टेम्परेचर हाई करके प्लांट में फ्लावर प्रोड्यूस करते हो उसको बोलते हैं डीवर्नलाइजेशन इसके एडवांटेजेस क्या है क्रॉप्स कैन बी प्रोड्यूस्ड अर्लियर जल्दी फ्लावर आएगा तो जल्दी फ्रूट बनेगा एंड क्रॉप्स कैन बी कल्टीवेटेड इन रीजन वेर दे डू नॉट ग्रो नेचुरली जहाँ पे क्रॉप्स नेचुरली देखने को नहीं मिलते वहां पे भी हम क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर चेंजेस ओके नेक्स्ट आता है अपना मिनरल न्यूट्रिशन अभी ये टॉपिक बहुत बड़ा है आपको इसमें से याद क्या रखना है मैं आपको सीधा टू द पॉइंट बताती हूँ क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास बेसिकली मिनरल न्यूट्रिशन में ये बोला गया है कि बहुत सारे मिनरल हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ये मिनरल हमको अलग अलग सोर्सेस से मिलते हैं वाटर गैस मिनरल न्यूट्रीन एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये सब इंपॉर्टेंट होता है ठीक है अब इसमें बताया क्या गया है कि मिनरल्स पहले के टाइम पे दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किए गए थे एक असेंशियल मिनरल एक नॉन असेंशियल मिनरल असेंशियल मिनरल मतलब क्या होता था जिसके बिना हमारा प्लांट ग्रो ही नहीं हो सकता जैसे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फॉस्फरस और नॉन असेंशियल मिनरल क्या होता था जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अगर असेंशियल मिनरल नहीं है तो प्लांट में अलग अलग बीमारी देखने को मिलती थी बट अभी के टाइम पे ये डेफिनेशन यूजलेस है एप्सोल्यूट मतलब क्या होता है यूजलेस क्योंकि इससे भी बेटर एक्सप्लेनेशन आ गया है अब असेंशियल या नॉन असेंशियल मिनरल नहीं बोला जाता अब बोला जाता है माइक्रो एलिमेंट एंड माइक्रो एलिमेंट मतलब मिनरल की क्वांटिटी देखी जाती है ठीक है माइक्रो एलिमेंट्स क्या होते हैं जिनका क्वांटिटी कम अमाउंट में चाहिए बट चाहिए उनके बिना काम नहीं होगा जैसे कि खाने में नमक एक किलो सब्जी में सिर्फ एक चम्मच नमक जाता है एक चम्मच है अगर बोला तो तुम नहीं डालोगे तो चलेगा अरे एक ही तो चम्मच नमक चाहिए छोड़ नाज नमक के बिना खाना खाते नहीं चलेगा ना वैसे ही माइक्रो एलिमेंट्स मतलब क्या होते हैं जिनकी क्वांटिटी एकदम कम अमाउंट में चाहिए होती है बट चाहिए क्योंकि इसके बिना आगे का फंक्शन नहीं होगा और माइक्रो एलिमेंट्स मतलब क्या होता है जिनकी क्वांटिटी ज्यादा अमाउंट में चाहिए ताकि वो प्लांट को इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सके तो अब मैम हमको एग्जाम के लिए क्या याद रखना है इसका एग्जांपल माइक्रो एलिमेंट्स के एग्जांपल और माइक्रो एलिमेंट्स के एग्जांपल दैट्स इट ठीक है ओके और ये डेफिनेशन भी अभी ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया जाता है ठीक है आपको अगर ये देखना है कि क्राइटेरिया क्या है कौन सा एलिमेंट इंपॉर्टेंट है कौन सा एलिमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है कैसे डिसाइड कर सकते हैं तो ये हम पता कर सकते हैं कि कौन से एलिमेंट हमारी प्लांट की नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को सपोर्ट कर रहा है दीज एलिमेंट्स मस्ट हैव स्पेसिफिक फंक्शन और इनको हम रिप्लेस नहीं कर पाए जिन एलिमेंट्स को आप रिप्लेस नहीं कर सकते वो एलिमेंट असेंशियल है मतलब मेरा काम मैं ही करूँगी मेरे अलावा वो काम और कोई कर ही नहीं सकता सो आई एम दी असेंशियल एलिमेंट अगर मेरा रिप्लेसमेंट अवेलेबल है तो मैं असेंशियल नहीं हूँ मतलब मेरे बिना भी काम हो सकता है ठीक है <coughs> सिम्टम्स ऑफ मिनरल डेफिशिएंसी इन प्लांट्स देखो अगर समझो कोई असेंशियल मिनरल है जिसके लिए जो मतलब जो मिनरल बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए अगर वो अवेलेबल नहीं है तो उसकी वजह से हमको प्लांट में अलग अलग बीमारी देखने को मिल सकती है तो कौन से मिनरल डेफिशिएंसी की वजह से कौन से कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं यूजुअली तो अगर मिनरल्स प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेंगे प्लांट को तो प्लांट की हाइट छोटी रह सकती है यानी शॉर्ट ग्रोथ क्लोरोसिस यानी कि उनके लीफ में क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होंगे जिसकी वजह से लीव येल्लो पड़ जाएगी जिसके वजह से आपका फूड नहीं फॉर्म होगा नेक्रोसिस यानी कि आपके प्लांट के लीव की टिश्यू डेथ हो जाएगी मोटलिंग यानी कि आपके प्लांट में अचानक ही ग्रीन और नॉन ग्रीन पैचेस हो जाएंगे जिसके वजह से प्रॉपर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा एप्सिशन यानी टाइम से पहले हमारे प्लांट्स में से लीव झरने लग जाएंगे अगर लीव्स और फ्रूट्स पहले गिर जाएंगे फकने से पहले तो हमारी खेती बर्बाद हो जाएगी यस सो ये हमारे अलग अलग मिनरल्स हैं ये कहाँ पर वो प्लांट में प्रेजेंट होते हैं मतलब कहाँ पर चाहिए ये मिनरल कहाँ पे चाहिए उसका फंक्शन क्या है और उसकी डेफिशिएंसी क्या है अभी लास्ट मिनट में आपको ये बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि आप ये टेबल लर्न करो मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि मिनरल्स का डेफिनेशन देखो कि वो कहाँ कहाँ से आते हैं सोर्सेज ऑफ मिनरल्स एक ये वाला पार्ट लर्न करो एक ये एग्जाम्पल्स लर्न करो क्योंकि ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है माइक्रो एलिमेंट और माइक्रो एलिमेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये दो चीज़ और तीसरी चीज़ मैं ये बोलूँगी कि ये सिम्टम्स लर्न करो दैट्स इट आप ये टेबल लर्न करने मत जाओ टेबल लर्न करने जाओगे पागल हो जाओगे ठीक है ये सारी ग्रोथ मीनिंग का मतलब ये सारी चीजों का मीनिंग आपको पता है सिर्फ यहाँ पे दो न्यू नाम है जिनका मीनिंग आपको नहीं पता एक ब्राउन हार्ट डिजीज एक डाई बैक ऑफ शूट ब्राउन हार्ट डिजीज मतलब क्या होता है कि मिनरल्स की कमी के वजह से आपके जो कॉलीफ्लावर जैसे क्रूसीफर्स वाले जो वेजिटेबल्स है वो ब्राउन होने लग जाते हैं सड़ने लग जाते हैं तो उसको बोलते हैं ब्राउन हार्ट डिजीज ठीक है और डाई बैक ऑफ शूट मतलब क्या होता है इसमें पहले आपका शूट मरेगा जिसके वजह से ब्रांचेस मरेंगे जिसकी वजह से लीव गिर जाएंगे वजह से फ्रूट्स गिर जाएंगे मतलब ये एक चेन बन जाती है सो दैट इज डाई बैक ऑफ शूट यही दो थोड़े से अलग है बाकी सबका मीनिंग तो काफी ईजी है ठीक है हाँ पढ़ना ही है तो डू यू नो वाला बॉक्स पढ़ो <coughs> कि आपके प्रोटोप्लाजम और सेल वॉल के अंदर कौन से मिनरल्स इंपॉर्टेंट है ऑस्मोसिस में क्या रोल है कैटालिसिस करने के लिए कौन से माइक्रो एलिमेंट्स चाहिए साइटोप्लास्मिक मेम्ब्रेन में कौन से मिनरल्स एक्सेप्ट होते हैं एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड कौन सा है फॉस्फरस चाहिए एटीपी में मैग्नीशियम चाहिए क्लोरोफिल में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला ठीक है और जो हमारा एटमोस्फेरिक सी है ये बेसिकली हमारा सिंगल कार्बन सोर्स है जिसके वजह से हमारे सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड सर्वाइव करते हैं तो पढ़ना ही है तो डू यू नो पढ़ो पूरा और मिनरल्स के लिए पूरा थ्योरी पढ़ने में टाइम मत वेस्ट करो ठीक है टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है दिस इज इंपॉर्टेंट ये आपको जस्टिफाई करने के लिए आ सकता है टू मार्क्स के लिए व्हाट इज टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट समझो किसी भी मिनरल आयन कॉन्सेंट्रेशन के वजह से अगर आपके प्लांट के ड्राई वेट में रिडक्शन हो रहा है तो उसको बोलते हैं टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिय मतलब एक न्यूट्रियट की वजह से दूसरे न्यूट्रियट के एब्जॉर्बशन पे या दूसरे न्यूट्रियट के प्रोडक्शन पे फर्क पड़ रहा है सो दैट इज कॉल्ड एज टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिय ठीक है मिनरल सॉल्ट एबजॉर्प्शन आपको अगर सॉल्ट एब्जॉर्ब करना है तो उसके लिए कौन सा कौन सा तरीका है तीन तरीके होते हैं एक पैसिव एब्जॉर्प्शन जिसको हम डिफ्यूजन भी बोलते हैं डिफ्यूजन दो टाइप के होते हैं एक नॉर्मल डिफ्यूजन एक फैसिलिएटेड डिफ्यूजन कुछ आयन्स होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास ऐसे आर पार हो जाते हैं कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए हमारे पास टनल प्रोटीन्स होती है सो फैसिलिएटेड डिफ्यूजन हो या डिफ्यूजन हो यहाँ पे कहीं पे भी एटीपी का यूज़ नहीं हो रहा है सो दिस इज पैसिव ट्रांसपोर्ट <laughs> और एक टाइप का होता है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमको एटीपी टीपी मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है आयंस को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए व्हाट इज डोन इक्विलिब्रियम दिस इज समथिंग न्यू इसमें बेसिकली क्या होता है आपके जो सेल का सेल मेंब्रेन है प्लांट के रूट का जो सेल मेंब्रेन है रूट हेयर का जो सेल मेंब्रेन है यहाँ पे ना कुछ चार्ज पार्टिकल्स जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ये सेल मेम्ब्रेन के पास जमा हो जाते हैं अब अगर सेल के अंदर नेगेटिविटी बढ़ गई है तो मुझे उसको बैलेंस करना पड़ेगा तो मैं सेल के अंदर से कुछ पॉजिटिव आयन बाहर भेज देती हूँ तो ये आयन का जो बैलेंस है ये जो इक्विलिब्रियम हम मेंटेन करके रखते हैं इसको बोलते हैं डोन इक्विलिब्रियम ताकि अंदर और बाहर चार्जेस इक्वल रहे टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ कैटायन एंड एन आयन दिस इज कॉल्ड एज डोन इक्विलिब्रियम ठीक है और ये हम कुछ स्पेशल प्रोटीन की मदद से करते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन में क्या होता है बेसिकली देखो आपका जब वाटर एब्जॉर्प्शन होता है सराउंडिंग सॉइल बाय रूट है तो ये वाटर के साथ साथ बहुत सारे मिनरल्स जो है ये जाइलम वेसल तक जाते हैं जाइलम वेसल्स के थ्रू ये हमारे प्लांट के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचते हैं वहां पे जाके ये अपना रेस्पिरेशन प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं और धीरे धीरे करके रेस्पिरेशन करते करते इनका रोल जो है वो फूड प्रोडक्शन में आता है यानी कि ये फ्लोएम वेसल तक भी पहुंच जाते हैं और फिर वापिस से नेचर में कैसे आते हैं ये ट्रांसपिरेशन की मदद से फिर ट्रांसपीरेशन से ये फिर से सॉइल में एब्जॉर्ब होंगे फिर से जाइलम के पास जाएंगे फिर से फ्लोएम के पास जाएंगे फिर ट्रांसपीरेशन करेंगे सो दिस इज हाउ एक्टिव टेक्स प्लेस बस यहाँ पे ए का इन्वॉल्वमेंट होता है ठीक है ओके डू यू नो कैरियर प्रोटीन या कैरियर हाइपोथिस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इट वॉज गिवन बाय होगलैंड एंड डेविस इन्होंने क्या बोला कि हमारे सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर स्पेसिफिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो आयंस को पंप करते हैं खींच के अंदर लेते हैं ताकि आयन्स का बैलेंस बना रहे इसको बोलते हैं कैरियर हाइपोथेसिस। दैट्स इट इतना ही बताया है अकॉर्डिंग टू बेनेट एंड क्लार्क प्रोटीन कॉन्जुगेटेड विथ लेसिथिनियर हाँ ये नाम याद रखो कौन सा प्रोटीन लेसिथिन प्रोटीन बेसिकली ये प्रोटीन हमको एग में भी देखने को मिलता है बट प्लांट के रूट्स में भी देखने को मिलता है ये कैरियर का काम करता है यानी कि बाहर के चार्जेस को अंदर खींच के लेके आता है ताकि डोन इक्विलिब्रियम बना रहे यानी चार्जेस का बैलेंस बना रहे यहाँ तक सबको समझ में आया है पक्का ऑल राइट अभी लास्ट आता है नाइट्रोजन साइकिल देखा जाए तो ये साइकिल बहुत बड़ा है बट मैं आपको इतना ही बोलूंगी कि इस साइकिल के ना स्टेजेस लर्न करो पूरा साइकिल रटने मत बैठो या पूरा का पूरा साइकिल प्रैक्टिस करने मत बैठो आपको नाइट्रोजन साइकिल के ऊपर अगर क्वेश्चन आया भी तो आप इसके सिर्फ स्टेप्स याद रखो बाकी रीडिंग करके जाओगे तो आंसर खुद से लिख सकते हो क्या स्टेप्स है देखो नाइट्रोजन साइकिल के याद रखो स्टार्ट किधर से होता है स्टार्ट हमेशा एटमोस्फेयरिक नाइट्रोजन से होता है हमारा नाइट्रोजन हमारे एटमोस्फियर में प्रेजेंट है एटमोस्फियर से ये नाइट्रोजन किधर किधर जाएगा एक सेकेंड एटमोस्फियर से ये नाइट्रोजन किधर किधर जाएगा ये दो टाइप का फिक्सेशन दिखाता है एक नॉन बायोलॉजिकल फिक्सेशन एक बायोलॉजिकल फिक्सेशन नॉन बायोलॉजिकल फ़िक्सेशन इसको हम बोलते हैं फिजिकल फिक्सेशन यानी केमिकल रिएक्शन और बायोलॉजिकल फ़िक्सेशन मतलब यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गैनिज्म इन्वॉल्व होते हैं बैक्टेरिया इन्वॉल्व होते हैं तो ये देखो आपका ये जो एटमोसफियरिक नाइट्रोजन है ये सॉइल में जाता है बहुत सारे बैक्टीरिया इसको ट्रैप करके इसको चेंज करते हैं यानी कि इस नाइट्रोजन से ये अमोनिया बनाते हैं और अमोनिया आपको भी पता है बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक कंपोनेंट है तो हम इसको ज़्यादा टाइम तक ऐसे ही नहीं रहने दे सकते एनिमल्स जब पॉटी करते हैं उसमें भी अमोनिया होता है प्लांट्स जब मर जाते हैं उसमें भी अमोनिया होता है इसी की वजह से तो स्मेल आती है तो हमको इस अमोनिया को कन्वर्ट करना पड़ता है और ये कन्वर्ट कौन करता है बैक्टेरिया किस में कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में और यही नाइट्राइट और नाइट्रेट वापिस से हमारे सॉइल में जमा हो जाते हैं या डी बैक्टीरिया इसको फिर से डाई नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं और ये पूरा प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है देखो आपका ये जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन है इसको फिक्स करने के अलग अलग तरीके होते हैं पहला फिजिकल फिक्सेशन में स्टेप्स कौन से कौन से हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यानी कि आयंस की मदद से चार्ज की मदद से आपका नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है जब इसमें ऑक्सीजन ऐड होता है मतलब ये जब एटमोसफियर के साथ रिएक्ट करता है तो नाइट्रोजन पेरोक्साइड बनता है और जब ये रेन वाटर के साथ मिक्स हो जाता है तो बनती है एसिड रेन जिसकी मदद से नाइट्रिक एसिड आपके जमीन पर पड़ता है और ये नाइट्रिक एसिड जैसे ही हमारे सॉइल के साथ मिक्स होता है तो सॉइल में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है या फिर हेबर बॉश प्रोसेस की मदद से यह हाई टेम्परेचर और प्रेशर में आपका नाइट्रोजन फिक्स होकर कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया में और इसी अमोनिया को हम ऐसे ही नहीं रहने देते इस अमोनिया को हम कन्वर्ट कर देते हैं यूरिया में जो कि लेस टॉक्सिक है ठीक है ये हो गया फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन आप बोलोगे मैम ने सीधा सीधा उड़ा दिया मैं आपको सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि ये टॉपिक बहुत अननेसेसरी डिटेल में दिया गया है बोर्ड्स में इतना डिटेलिंग नहीं पूछा जाता है पूछा भी तो भी आप ये मेन स्टेप याद रखो कि कितने स्टेप्स में होता है सबसे पहले इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यानी आयंस के प्रेजेंस में फिर ऑक्सीडेशन होता है तो नाइट्रोजन परोक्साइड बनेगा फिर आपके रेन वाटर के साथ मिक्स करके ये एसिड रेन बनाता है यानी नाइट्रिक एसिड बनाता है जो सॉइल में मिक्स होता है सॉइल में बहुत सारे अलग अलग आयंस प्रेजेंट है जिसकी मदद से ये नाइट्रेट बनाता है और नाइट्रेट को आगे जाके अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया जाए ठीक है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है इसको समझो बायोलॉजिकली नाइट्रोजन को पकड़ने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें से सबसे 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 इंपॉर्टेंट <coughs> चीज जो ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन को पकड़ते हैं उसको बोलते हैं डायओजोड्रोफ्स यानी नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं उसको बोलते हैं अब अजो, अजो मतलब नाइट्रोजन और सबसे स्पेशल ऑर्गेनिज्म कौन सा है जो नाइट्रोजन फिक्स करता है राइजोबियम हमने पढ़ा था ना मेथी के रूट में ये जो नोड्यूल्स होते हैं इसके अंदर राइजोबियम देखने को मिलता है ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं ठीक है थेके? तो बेसिकली ये क्या करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन करते टाइम ये नाइट्रोजन को ए मॉलिक्यूल्स के प्रेजेंस में अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं और फिर इसी अमोनिया को ये अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं जिससे प्रोटीन बनती है हमारे प्लांट्स में और फिर बचा हुआ जो अमीनो एसिड रहता है वो कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रेट और नाइट्राइट में जिसको फिर से हम नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं अब इधर पे याद क्या रखना है एग्जाम के लिए ये सब याद नहीं रखना है एक ही चीज़ याद रखनी है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है तो एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए सिक्सटीन एटीपी मॉलिक्यूल्स चाहिए ये याद रखो एक नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए मॉलिक्यूल्स चाहिए दिस इज इंपॉर्टेंट ठीक है तो नाइट्रिफिकेशन में बेसिकली क्या होता है आपको नेम्स याद रखने हैं कौन सा बैक्टीरिया क्या करता है सबसे पहले आपके पास जो अमोनिया है इसको हम क्या कर रहे हैं हम कन्वर्ट कर रहे हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में नाइट्राइट में ठीक है तो कौन सा कौन सा बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोकोकस अब हमारे पास नाइट्राइट आ गया नाइट्राइट को हम नाइट्रेट में कन्वर्ट कर रहे हैं किस में कन्वर्ट कर रहे हैं नाइट्रेट में ठीक है तो इधर पे आता है नाइट्रोबैक्टर और इन बैक्टीरिया बोलते हैं यानी जो केमिकल की मदद से अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं ओके ऑल राइट नेक्स्ट क्या आता है अपना ये देखो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इसमें राइजोबियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिम्बायोटिक मतलब क्या होता है बैक्टीरिया का भी फायदा नेचर का भी फायदा तो इसमें हम बेसिकली प्रोटीन से अमीनो एसिड्स फॉर्म करते हैं और अमीनो एसिड से अमी, अमोनिया बनाते हैं और ये जो अमोनिया आपने को मिला है इस अमोनिया से हम अलग अलग कंपोनेंट्स फॉर्म करते हैं ठीक है अलग अलग अमीनो एसिड सिंथेसिस करते हैं तो आपको ये इतना डिटेलिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है कि अमीनो एसिड कैसे बनता है एक है रिडक्टिव अमिनेशन यानी कि यहाँ पे रिडक्शन होगा हाइड्रोजन का एडिशन होगा एक है ट्रांस एमिनेशन यानी कि अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर करेंगे एक कार्बन से दूसरे कार्बन पे अमाइड फॉर्मेशन हो सकता है या फिर डी हो सकता है यानी नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट किया नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट किया नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट किया और फिर इसको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बना दिया ये सब आपके सॉइल में जमा हो जाता है और फिर वापस से ये अर्थ के एकदम डीप में जाके डिपॉजिट हो जाता है जो प्लांट्स फिर से एब्सॉर्व कर पाते हैं ठीक है ठीके? तो सॉइल नाइट्रोजन बार 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 कैसे मिलता है एनिमल्स की पॉटी से एक्सक्रीशन ऑफ एनिमल्स क्योंकि एनिमल्स की पॉटी में अमोनिया होता है यूरिया होता है यूरिक एसिड होता है जिसको हम बार बार अमोनिया को नाइट्रिफिकेशन करके कन्वर्ट कर सकते हैं अमीनो एसिड में और हमारे प्लांट के जो प्लास्टिड्स होते हैं क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट दे कंटेन अ स्पेशल एंजाइम नाइट्राइट रिडक्टेस जो इस अमोनिया को इस नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है ठीक है ये याद रखो विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अमोनिया फॉर्मेशन नाइट्राइट रिडक्टेज जो नाइट्राइट को अमोनिया में कन्वर्ट करता है यानी एनओ टू को एनएच थ्री में कन्वर्ट करता है एटमोस्फियर के हाइड्रोजन को पकड़ के चेंज करने में हेल्प करता है सो दिस इज योर चैप्टर नंबर सेवन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इम्पोर्टेंट है मैंने एकदम सिंपल भाषा में फास्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश की है आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी प्लीज ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप टू गेट ऑल द अपडेट्स ऑफ दीडियोज एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन एस ऑन ज्ञान लाव एनसीआर टी जहाँ पे नीट का कंटेंट आपको दिया जाता है फॉर योर एंटरटेनमेंट वी हैव अ बफरिंग लाइव बफरिंग चैनल जिसको हम ब्लॉगिंग चैनल बोलते हैं जहाँ पे हम अपने एंटरटेनमेंट पॉइंट्स डालते हैं वीडियोज डालते हैं आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और काफी हेल्प मिली होगी ऐसे ही मैं आपको चैप्टर नंबर फोर्टीन और चैप्टर नंबर फिफ्टीन का वीडियो भी जल्दी प्रोवाइड कर दूंगी बाकी सारे चैप्टर के वन शॉर्ट्स ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है जस्ट कीप स्टडिंग स्टे फोकस्ड आई हैव फुल फेथ इन यू आई नो यू कैन डू इट यू आर दी बेस्ट तो ऑल द बेस्ट मेक श्योर यू शेयर दिस वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स लास्ट मिनट रिवीन के लिए काफी हेल्पफुल होगी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक like कर देना चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन पर क्लिक करके रखो ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें बाय बाय एवरीबडी थैंक यू फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग अस एंड वी विल ट्राई आर बेस्ट टू गिविव यू ऑल द कंटेंट दट यू नीड सो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ बाय बाय सी यू सून थैंक यू फॉर वॉचिंग